सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वेरी एक्साइटिंग वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेस क्लासेज माई नेम इज़ विपिन कुमार शर्मा एन आम योर बायोलॉजी मैं टोर टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टेन थाउजेंड क्वेश्चन सीरीज फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सिंस इसके बाद हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी एंड फ्रॉम टुडे इट सेल्फ आज ही शाम वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इकोलॉजी के मेरी कोशिश ये रहेगी कि कल या परसों तक मैक्स टू मैक्स हम लोग बायोटेक और इकोलॉजी कंप्लीट कर चुके हों जिससे हमारे सिर्फ दस चैप्टर बचे बहुत अच्छे तरीके से हम उन पर फोकस कर पाए सो प्लीज़ लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट पहले तो यार माफ़ी चाहूंगा काफ़ी सारे काम आन पड़े हैं क्योंकि काफ़ी सारे फैमिली इश्यूज रहते हैं काफ़ी सारे बिजनेस रिलेटेड इश्यूज रहते हैं तो और मेरे खुद के एग्जाम्स भी चल रहे थे क्योंकि मैं भी एक डिग्री स्टूडेंट हूँ अभी सो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था ठीक से तालमेल बट नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री तो रक्षाबंधन की एक दिन की छुट्टी मारेंगे बस उसके अलावा सारा आप लोगों के लिए ही है टाइम जो बनवाना है जितना बनवाना है तुम बनवा सकते हो यार जो बोलोगे वो बन जाएगा नो एट ऑल राइट चलो और आज मैं ऑलरेडी दो वीडियोस रिकॉर्ड करके रख चुका हूं सुबह से लगा हुआ हूं तो इस वीडियो के बाद दो वीडियोस और आएंगी तो वो भी देख लेना और एक प्रैक्टिस सेशन अलग आएगा लाइव और रात को एक और वीडियो अलग आएगी यानी अब से दिन के तुम चार पांच वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे तो थोड़ा फुल फॉर्म में आ जाओ बहुत बेहतर तरीके से जिससे कि कोई भी टेंशन तुम्हें भी ना रहे और बहुत बढ़िया तरीके से जो भी मोस्ट इनोवेटिव वे होगी पढ़ाने की उसमें मैं आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा इन अ

24 घंटे आपके पास हैं कल सुबह इसकी एनरोलमेंट कंप्लीटली बंद हो जाएंगी उसके बाद सिग्मा स्टार नाम आपको अगली साल ही सुनाई देगा तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है कुछ पढ़ने का मन है तो कर सकते हो राइट चलो और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आ चुकी है अमेजॉन के ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर चेक कर लेना तीस टेस्ट हैं सारे के सारे टेस्ट जो हैं उसमें वन एटी होने वाले हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट वहां पर दिए हुए हैं फुल लेंथ टेस्ट अगर चाहिए ऑनलाइन मोड में

एक साथ अगर पीडीएफ दी जाए तो बेहतर है क्योंकि माइंड मैप्स के वैसे, वैसे भी पेजेस कम हैं अगर मैं एक एक पेज आपको दूंगा तो वो कहीं इधर उधर शफलिंग के टाइम पे आपको एग्जैक्टली exactly नहीं मिल पाएंगे लेकिन मैं आपको दस यूनिट के फॉर्म में अच्छे से माइंड मैप दे दूंगा यूनिट वाइज अच्छे से अरेंज करके जिससे आप जब नाम सर्च करेंगे तो आपको अपनी गैलरी में माइंड मैप बहुत प्यार से मिल जाएंगे राइट तो मार्क्सअप लर्निंग ऐप को ज्वाइन कर लो फटाफट जाकर के टेलीग्राम इंस्टॉल करो मार्क्सअप लर्निंग ऐप सर्च करो और जुड़ जाओ क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर फटाफट बताओ राइट सचिन कोशिश करेंगे यार कल डाल दें फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ट्रांसजेनिक प्लांट्स दैट इज जेनेटिकली मोडिफाइड और जीएम प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग डिजायर्ड जीन्स ऑफ प्लाजमेड ऑफ फटाफट बताओ तब तक मैं एक बार ऐप पे चक्कर मार के आ जाता हूं प्लीज लेट मी नो द आंसर ऑफ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से मार्क करने हैं बिना किसी गलती के क्योंकि आज गलतियां होने के चांसेस बहुत हैं ये चैप्टर दिखने में बहुत आसान है लेकिन छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आपको कन्फ्यूज कर सकती हैं उत्तर क्या होना चाहिए प्लांट की जब हम बात करते हैं यार तो बात खत्म हो जाती है राइट प्लांट में जब हम बात करते हैं वेक्टर की तो अल्टीमेटली इट्स अगेरोक्टीरियम ट्यूमिफेशन का टी आई प्लाजमेट यह सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है तो अल्टीमेटली सबका आंसर करेक्ट है अविरूप नेहा इशिता सैफ दृष्टि सबका करेक्ट है इट इज गोइंग टू बी अगैरोक्टीरियम ट्यूमिफेशन क्वेश्चन नंबर टू द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड बायोटेक्नोलॉजी किस किस काम आती है थेराप्यूटिक्स बनाने बनाने के डायग्नोस्टिक में GM crop बनाने में जीएम क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड में बायो रिमेडिएशन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एनर्जी प्रोडक्शन सुन के ही पता लग रहा है साफ साफ वट इज गोइंग टू बी द आंसर अगर आप बात करते हैं थेराप्यूटिक्स की तो थेराप्यूटिक्स बन सकता है आप ह्यूमुल बनाते हैं ना ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं काफी सारे और भी ड्रग्स बनते हैं डायग्नोस्टिक की अगर आप बात करें तो आप एलाइजा की बात करते हैं पीसीआर की बात करते हैं जीएम क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर बीटी कॉटन बीटी कॉर्न बीटी टी ब्रिंजल सारी की सारी चीजें राइट प्रोसेस्ड फूड बनाने के डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करनी पड़ती है तब जाके आप फूड प्रोडक्ट्स को बढ़िया तरीके से जो है भेज सकते हैं आगे बायो रिमेडिएशन यानी कोई भी हार्मफुल केमिकल है उसका बैक्टीरिया के थ्रू विनाश करना जैसे सूडमुनास पुटीडा का नाम आपने सुना होगा ऑयल स्पिल्स को करेक्ट करने के काम आता है ऑयल स्पिल्स जब समुद्र पे काफ़ी बार जो तेल के जहाज हैं वो लुढ़क जाते हैं तो तेल जो है कवर कर लेता है पानी को और अंदर के एनिमल्स मरने लग जाते हैं तो सूडोमोनास पुटीडा को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे सुपर बग भी बोला जाता है जो वहां पर प्रेजेंट जो ऑयल स्पिल्स हैं उनको खा जाता है वो तेल को खा जाता है तो पानी एकदम साफ हो जाएगा वेस्ट ट्रीटमेंट ऐसा कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है पूरे दुनिया का जहां पर बैक्टीरिया का और फंगस का इस्तेमाल ना किया जाता हो फ्लॉक्स का आपने नाम जरूर सुना होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन काफी सारा काम चल रहा है इस दुनिया भर में एक टर्म आपने पक्का सुनी होगी हो ही नहीं सकता ना सुनियो बायोफ्यूल सारी की सारी चीजें आपकी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी एकदम प्यार से प्रश्न तीन गोल्डन राइस इज अ एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन अगर बात करो आप सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर की किस फेज में डीएनए एन होता है एस फेज सबसे फेवरेट क्वेश्चन है अगर बात करो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की तो एसिटाइल को एंजाइम ए लिंक रिएक्शन लिंक मॉलिक्यूल सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बात करो अगर इस चैप्टर की गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन ए रिच सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बाकी सब चीजें बहुत बाद में आती हैं ये गोल्डन राइस पे एक क्वेश्चन आए ही आए ऐसा हर साल होता है लगभग हर साल होता है हो ही नहीं सकता कि इस पर क्वेश्चन ना आए इट इज दैट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर राइट तो यहां पर क्या हुआ गोल्डन राइस क्या है हाइब्रिड है जीएम प्लांट है ऑब्वियसली जीएम प्लांट है जीएम प्लांट को जेनेटिकली मोडिफाइड कोई ट्रांसजेनिक प्लांट कहा जाता है बोथ बी एंड बी आंसर किसमें रिच होता है विटामिन ए में अनरिच होता है तो विटामिन ए की डेफिशंसी से रिलेटेड जो भी बीमारियां रहती है उनको करेक्ट करने में काम आता है जैसे कि जीरोप्थेलमिया नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह इनको करेक्ट करने में काम आ सकता है राइट right? खासकर नाइट ब्लाइंडनेस प्रश्न चार विच ऑफ द जीएमओ इज यूज बाय बायोटेक्नोलॉजी कौन से जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं यानी किस किस ऑर्गेनिज्म को आप मोडिफाई कर सकते हो माइक्रोब फंगस प्लांट एनिमल या ऑल किस किस चीज को आप मोडिफाई कर सकते हो भाई माइक्रोब को मॉडिफाई करके यानी बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके तो हम इंसुलिन बनवा ही रहे थे फंगस को भी मॉडिफाई कर सकते हो ट्रांसजेनिक प्लांट आप बनाते ही हो बी कॉटन ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं आपके काम आते हैं वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के अंदर जैसे आप ट्रांसजेनिक माइस बनाते हो ट्रांसजेनिक मंकी बनाते हो ट्रांसजेनिक रैट्स बनते हैं ट्रांसजेनिक पिग्स बनते हैं ट्रांसजेनिक हॉर्सेज बनते हैं सो देर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स विच गॉट जेनेटिकली मोडिफाइड टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल रोजी के बारे में आपने सुना होगा राइट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको मॉडिफाई किया जाता है तो फोर का उत्तर भी हो जाएगा डी डी का तो मेला लग गया यार अभी तक चारों का आंसर डी है <laughs> ये पता नहीं बतानी कोइंसिडेंसी की क्या बट यस इट इज डी ह्यूमलिन इज ह्यूमलिन क्या है नेचुरल इंसुलिन िन सिंथेसाइज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाय द्वारा ह्यूमन इंसुलिन क्या है इनमें से देखो यार नेचुरल इंसुलिन को तो इंसुलिन ही बोलोगे नेचुरल इंसुलिन ins, जो पेनक्रियाज बनाएगा ये भी तो नेचुरल इंसुलिन हो गया ना केमिकली सिंथेसाइज इंसुलिन नहीं ये है इंसुलिन सिंथेसाइज बाय इकोलाय विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी राइट तो ह्यूमन वर्ड से आया ह्यूमो और इंसुलिन के एंड से आया तो क्या बन गया ह्यूमोलिन बन गया साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा ह्यूमोलिन बन जाएगा पांच का उत्तर है बी प्रश्न छह क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर बायोटेक में क्या क्या करते हो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंप्रूव ऑर्गेनिज्म यूजअली अ माइक्रोब और, और प्योर एंजाइम बेस्ट कैटलिस्ट देना अब बेस्ट कैटलिस्ट है तो इसको काम करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशन देनी पड़ेगी तो ऑप्टिमल कंडीशन देना इस कैटलिस्ट को और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से जो भी आपका मटेरियल बना है एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका प्रोडक्ट बना है उसको निकाल लेना उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यही करते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट बनाते हो सिंथेसाइज करते हो उससे काम करवाते हो प्रोडक्ट बनाते हो फिर प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हो मार्केट में लाते हो कमर्शलाइज करते हो यही है बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक एजेंडा प्रश्न सात सॉल्ट स्ट्रेस डिजीज रेजिस्टेंस एंड कोल्ड स्ट्रेस इन प्लांट्स कैन बी इंट्रोड्यूस बाय यानी आप चाहते हो कि आपका प्लांट सॉल्ट स्ट्रेस से रेजिस्टेंट हो सॉल्ट ज्यादा होने पे उसको कोई फर्क ना पड़े हाइपर सेलाइन कंडीशन में भी रह जाए डिजीज रेजिस्टेंट हो बीमारियां भी ना हो कोल्ड स्ट्रेस ठंड भी ना लगे तो ऐसा प्लांट किस टेक्नोलॉजी से आप बना सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी डीएनए टेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर हाइब्रिडोमा ओमा टेक्नोलॉजी अनर ऑफ दीज हाइब्रिड ओमा मतलब हाइब्रिड बनाना कैरेक्टर्स को मिक्स करना टिश्यू कल्चर मतलब एक प्लांट है उसके टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़े करके हजारों प्लांट्स उगाना जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप नया कैरेक्टर डालते हो अपनी मर्जी का तो जब आप मर्जी का कैरेक्टर डालोगे ना तब जाके सारी चीजें हो हो पाएंगी उत्तर क्या हो जाता है सात का ए प्रश्न फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज किया जा सकता है अगर आपको समझ लीजिए आप खेती बाड़ी करते हैं आपको फूड प्रोडक्ट बढ़ाने हैं क्या करोगे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यानी एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करोगे ऐसे केमिकल्स जो प्रोडक्शन बढ़ाते हो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग खाद वगैरह का इस्तेमाल करोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर यानी बीमारी से बचाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करोगे सारी बातें करेक्ट यार राइट एप्सल्यूटली करेक्ट ओके प्रीतम सुमाया नेहा दृष्टि अविरूप इशिता सैफली अंजलि मन्नत सबका करेक्ट है तीनों चीजों से ही बढ़ती है फूड प्रोडक्शन अब यहां पर यह नहीं बोला कि इनमें से सस्टेनेबल मेथड कौन सा है यहां यह नहीं पूछा कि सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कौन कौन सा बढ़ा सकता है तो एक ज़माने में तो सारे ही अपने अपने टाइम के किंग रहे हैं मतलब पहले सेंस देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे उस टाइम पे फर्टिलाइजर ही सब कुछ था उस टाइम पे केमिकल ही सब कुछ था मैनेजमेंट टेक्निक सब कुछ थी फिर लोग ऑर्गेनिक पे आ गए फिर लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने पे आ गए तो उन्होंने जो है यू नो प्रीडेशन प्रे रिलेशनशिप पर काम करना स्टार्ट कर दिया फिर रिकम्बिन टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट कर दिया बढ़िया वराइटीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया तो अपने ज़माने के सब किंग रहे हैं लेकिन बात यह है कि सबने अपने अपने टाइम पे फोड़ा है बहुत भयंकर तो यहां पे क्या आ जाएगा ए बी सी ऑल आर गोइंग टू बी करेक्ट प्रश्न नौ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किन साहब ने डेवलप करी एलेक्टी साहब अर्बर एंड स्मिथ बारबरा मै क्लिंटॉक जैक मोनॉट हुए फिंगर प्रिंटिंग मेथड ओके सुमाया सैफ अली प्रीतम अविरूप नेहा तुषार एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज गोइंग टू बी जैफरी सर एलेक् जाफरी साहब ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप करी थी बारबरा मैक मैम ने क्या किया था इन्होंने जंपिंग जींस की आविष्कार किया था राइट जंपिंग जीन्स जंपिंग जीन्स प्यार से क्या बोलते हैं इनको ट्रांसपोजोन्स ट्रांसपोजोन्स ये जो जंपिंग जीन्स हैं ये अपनी पोजिशन को चेंज कर पा रहे थे राइट फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये एक जीन है यहां पर तो बारबरा मैकिनटॉक मैम ने देखा कि ये जीन यहां से यहां भी जा सकता है उछल करके राइट right? अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है तो इसे क्या बोला दिस जीन कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जंपिंग जीन राइट ट्रांसपोजोन्स का आविष्कार इन्होंने किया था और राइट right? प्रश्न दस आप लोगों की स्क्रीन के सामने ओके आफ्टर ग्रीन रेवल्यूशन हाउ मेनी टाइम्स द फूड सप्लाई हैज बीन इंक्रीज हरित क्रांति के बाद कितने गुना बढ़ गई थी फूड सप्लाई फूड कितने गुना बनना स्टार्ट हो गया था इंडिया में यह आपका सवाल है दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना एन का डेटा है एकदम सिंपल तीन गुना जो है फूड बढ़ना स्टार्ट हो चुका था यानी कभी हमारे देश में फूड की कमी थी लेकिन हरित क्रांति के बाद फूड जो है बहुत अच्छे तरीके से बनने लग गया हालांकि मेन जो यहाँ पर प्रैक्टिसेस की गई थी वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ यूजफुल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों यूजफुल है एग्रीकल्चर में यूजफुल है मेडिकल रिसर्च ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज या ऑल ऑफ दीज अभी आप इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ते हो एग्रीकल्चर में आप देखते हो बीटी कॉर्न बीटी कॉटन सब कुछ बना बनाकर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज डायग्नोसिस में आप लोग देखते हो कि पी uh, है एलाइजा है जो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं डिजीज डायग्नोसिस के सेकेंडली ट्रीटमेंट आप देखते हो कि यहाँ पर हमने किसको ट्रीट किया था एडिनोसिन डी एमिनेज एफिशियंसी को एडीए डेफिशियंसी को हमने ट्रीट किया था चार साल की बच्ची के अंदर इन अमेरिका राइट मेडिकल रिसर्च के अंदर ऑब्वियसली यू कैन यूज इट अप सो ऑल ऑफ दिस वुड बी करेक्ट आंसर ग्यारह का उत्तर हो जाता है डी प्रश्न बारह इंक्रीज ईल्ड इन ग्रीन रेवल्यूशन इज मेनली ड्यू टू हरित क्रांति में मेन जो फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आया था वो किस कारण आया था यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इंप्रूव क्रॉप यूज ऑफ जीएम क्रॉप ऑल ऑफ दीज उस टाइम पर क्या प्रेवलेंट था यह इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर क्या था प्रेवलेंट उस टाइम पर एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ था प्लस उस टाइम पर एनसीआर की लाइन है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर फोकस किया गया कि कैसे फार्म मैनेजमेंट करें राइट फार्म की मैनेजमेंट अगर अच्छी हो गई ना अगर बीमारियों से बचा लिया आपकी क्रॉप को सड़ने गलने से बचा लिया तो अल्टीमेटली क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगी समझ लो भाई किसी खेत के अंदर सौ टन फसल होती थी पचास टन कीड़े खा जाते थे तो नेट आपके पास कितनी बची पचास टन अगर आप सिर्फ बीमारी से भी बचा लेते हो अपनी क्रॉप को तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कितनी हुई पचास टन बढ़ गई ना सौ टन मानी जाएगी अब फाइनल प्रोडक्शन तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एक बहुत बड़ा रोल था हरित क्रांति के अंदर उत्तर हो जाएगा आपका ए प्रश्न तेरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नीड्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यानी अगर आप दो इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मटेरियल कंपेयर करते हो इफ यू वांट टू डू द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स व्हाट इज गोइंग टू बी द नीड फॉर दैट सूटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए प्रोब फैसिलिटीज फॉर जेल इलेक्ट्रोफॉर एंड सौदर्न ब्लॉटिंग ऑल ऑफ दीज क्या चाहिए विक्रम आज शाम तक या कल सुबह डाल देंगे पक्का क्योंकि वो दो टॉपिक्स बचे हुए हैं एक सेंस ऑर्गन्स और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन तो वो करवाने हैं तो वो ध्यान में है उसके बाद क्योंकि इलेवंथ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बैच के ऊपर भी फेड कर दूंगा सारी वीडियोस एडिट करके राइट उत्तर क्या हो जाएगा डी डी एन ए फिंगर में सबसे पहले क्या करना है भाई आपका कोई क्रोमोसोम है उसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल उसको काटोगे काटोगे स्पेसिफिक डी एन ए की तलाश करोगे तो उसके लिए प्रोब चाहिए अब जो यहाँ पे डीएनए कटे हैं इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट से करोगे ब्लॉटिंग में ही इसका इस्तेमाल करोगे प्रोब का तो ऑल ऑफ दिस वुड बी करेक्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हर चीज की आवश्यकता होगी उत्तर क्या हो जाता है आपका तेरह का डी चौदह द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप एक्सेप्ट जीएम क्रॉप की सारी एडवांटेजेस है एक्सेप्ट यानी कौन सी नहीं है दे रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड अब अगर क्रॉप खुद पेस्ट रेजिस्टेंट है तो पेस्टिसाइड की जरूरत क्यों पड़ेगी तो सही बात है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज सारा मिनरल एक बार में एग्जॉस्ट नहीं करेगा धीरे धीरे लेगा टूटी खोल के आवश्यकता अनुसार एकदम सही है एनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ़ फूड फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाएगा बिल्कुल सही बात है किसी में आयरन ज़्यादा हो जाता है किसी में विटामिन ज़्यादा हो जाते हैं एकदम सही बात है पोस्ट हार्वेस्टल लॉसेज आर मोर लॉस मोर नहीं होंगे भैया लॉस अगर मोर हो जाएंगे तो एडवांटेज कहाँ हो गई ना तो आपके जो लॉसेज हैं ये कम होने चाहिए तो पोस्ट हार्वेस्टल लॉसेज आर लेस दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन प्रश्न पंद्रह स्क्रीन के ऊपर बी टी स्टैंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे राइट right? ये वो बैक्टीरिया है नाम ही आ गया बेसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया तो बेसिलस बैक्टीरिया से हम लोग निकालते हैं क्राइजीन ओके और इसका जो क्राइजीन है ये डाल देते हैं कॉटन के अंदर या काफी सारे और प्लांट्स के अंदर जिससे कि जो कीड़े इन्हें खाने आ रहे थे कॉटन वगैरह को उनके पास एक क्राइजीन जाकर के एक्सप्रेस कर जाए और उन कीड़ों को मार दे तो बेसिलस द करेक्ट ऑप्शन सोलह विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर नाउ जेनेटिकली मोडिफाइड बाय बीटी टॉक्सिन जीन बीटी किन किन के अंदर डाला जा चुका है देखो बीटी कॉटन बीटी टी कॉर्न तो है ही बीटी राइस है ये भी है बीटी टी पटेटो भी है बीटी टी टमेटो भी है बीटी सोयाबीन है सारे ही एनसीआर के अंदर मेंशन है ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आपका हो जाएगा तो सोलह का उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी राइट ऑल ऑफ दिस वुड बी करेक्ट और अब तो काफी सारे और में भी आ चुका है और इसीलिए ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते डू तो बी वेरी फ्रैंक ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते क्यों क्योंकि अगर कोई बच्चा है उसने लेटेस्ट न्यूज पेपर पढ़ा हुआ है कोई नई सब्जी है समझ लो उसमें बीटी डाल करके देखा गया उस बच्चे के दिमाग में तो वो बैठेगा समझ लो यहाँ पे मैंने लिख दिया बीटी कॉलीफ्लावर लेट से नई डिस्कवरी हुई है बीटी कॉलीफ्लावर और बच्चे ने पढ़ लिया अखबार में और यहां पे कॉलीफ्लावर का ऑप्शन है पर एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या करोगे तो चैलेंज की दिक्कत आ जाती है उसमें दैट्स ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो रीसेंट एडवांसमेंट्स पे बेसिस हो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं या एकदम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं फिक्स हैं तो ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना पॉसिबिलिटी एकदम कम रहती है राइट चलिए प्रश्न सत्रह ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स मैंने यहीं पर ट्रिक बताई थी डीएनए में डी का मतलब डीएनए इट एन का मतलब है डीएनए होता है नेगेटिव अगर डीएनए होता है मेरे मित्र नेगेटिव तो भागेगा कहाँ भागेगा आपके पॉजिटिवली साइड एनोड के पास एनोड के पास भागेगा एनोड के पास भगा दो काम खत्म उत्तर क्या हो जाएगा सत्रह का ए प्रश्न अठारह सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थोरिंजियंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक यानी जो बीटी टॉक्सिन है वो किन किन इंसेक्ट्स को किल करता है लेपिडोप्टेरा को सिलोप्टेरा को डिप्टेरा को या सबको सबको मार सकता है राइट सब के कैरेक्टरिस्टिक इंसेक्ट्स हैं किसी में आर्मी बर्ड बाम है किसी में कॉटन बॉल बॉम है कॉर्न बोरर है कर सकता है काम राइट काट सकता है तो अलग अलग इंसेक्ट्स को यहाँ पे किल करने का काम कर देता है तो लेपिडोप्टेरा सिलोप्टेरा और डिप्टेरा तीनों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एन के अंदर ह्यूमोलिन वॉज फर्स्ट मार्केटेड बाय ह्यूमलिन कौन लेकर आया था मार्केट में सबसे पहले अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली तो एली लिली ने सबसे पहले ह्यूमलिन बनाया था इन्होंने देखा कि यार जो आपका प्रो इंसुलिन है उसके अंदर तीन चेन होती हैं प्रो इंसुलिन यानी जो मेचोर इंसुलिन नहीं है उसके अंदर ए चेन है ओके बी चेन है और इनको कनेक्ट करने वाली सी चेन है राइट तो ए है बी है और इनको कनेक्ट करने वाली सी है तो इन्होंने देखा कि ये जो सी है ये रिमूव हो जाती है आपकी मैच्योर्ड इंसुलिन में मैच्योर्ड इंसुलिन में सी नहीं होती तो ये मैचर्ड में नहीं होती तो इन्होंने देखा यार ये तो नहीं हो पाएगा हमसे लैब के अंदर कि हम पहले सी लगाएं फिर सी को हटाएं तो इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला कि यार सी बनानी ही क्यों है जब एंड में हटानी है तो ए और बी बनाओ और साथ में फिर बॉन्ड करा दो राइट दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर दो तो एलि लिली कंपनी ने ए पेप्टाइड बनाया इंसुलिन का बी पेप्टाइड बनाया दोनों के बीच में बॉन्डिंग करा दी काम खत्म यह तैयार हो गया आपका ह्यूमलिन मार्केटिंग के लिए एकदम तैयार सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग सही बात का पता लगाओ लेपिडो बर्डबॉम आर्मी बॉम ठीक है सिलोप्टेरा बीटल्स बडब गलत है डिप्टेरा फ्लाइज मॉस्किटो स्पाइडर गलत एव्स लेडीबर्ड हमिंग बर्ड गलत ठीक है कर लो बताई दिया आंसर हालांकि लेपिड ऑप्टेरा में टोबैको बर्डबॉम आर्मी बॉम करेक्ट है अब कोलियोपटेरा में देखो यार बीटल बर्ड बॉम तो ऊपर आ गया तो ये गलत हो गया बीटल इसके अंदर होता है ये बात करेक्ट है डिप्टेरा के अंदर फ्लाइज होते हैं मॉस्किटो होते हैं एकदम सही बात है स्पाइडर नहीं होते एरेक्नीडा में आता है स्पाइडर एवस में हमिंग बर्ड तो आएगी लेकिन लेडी बर्ड तो बीटल है ना लेडी बर्ड बीटल है ये नहीं आएगा उत्तर क्या है ले दे कि आपका क्या बचेगा ए बचेगा ये आपका करेक्ट है बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे प्रश्न बीस का उत्तर हो जाता है ए प्रश्न इक्कीस आर एन एंट आ चुका है एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्शन इज लाइक कैरिंग जीन्स एज मच एज यानी एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्शन अगर कहीं पर हो रही है तो उसमें कितने जीन्स पाए जाएंगे और कौन से जीन्स पाए जाएंगे एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्शन सवाल में जवाब है कुछ देखना ही नहीं है मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं दोस्त जीरो कंफ्यूजन है इस सवाल में अब भी अगर फिसल गए चिकने ऑप्शन पे तो भाई अपनी मर्जी से फिसलोगे एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए का आरएनए बन रहा है तो उसमें कितने जीन होंगे डिपेंड्स ऑन द स्टैंड ऑफ डीएनए आपको क्या करना है इसमें सैफली एब्सोल्यूटली करेक्ट एकदम करेक्ट है डरने की कोई जरूरत नहीं इशिता एब्सोल्यूटली करेक्ट एकदम ही करेक्ट है भाई अगर सेंस स्टैंड ऑफ डीएनए कोड कर रहा है तो सेंस ट्रांसक्रिप्शन होगी ना सेंस डीएनए स्टैंड का अगर आरएनए बनाया तो सेंस ट्रांसक्रिप्शन राइट और एंटी सेंस स्टैंड ऑफ डीएनए अगर बनाएगा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से तो ये होगी ना एंटी सेंस ट्रांसक्रिप्शन तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन तो आप कोई भी डीएनए एन में कन्वर्ट होगा तो उसे बोल दोगे लेकिन सवाल क्या पूछा है वो इस शब्द पर डिपेंड करता है इस पर तो यहां पर ये शब्द शब्द पकड़ने थे बस और कुछ नहीं बहुत भारी सवाल नहीं है ये लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है राइट सर प्रश्न वाइज बीटी टॉक्सिन इज इंसेक्टिसाइडल बिकॉज बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को क्यों मार देता है एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिडगट ियल सेल एंड क्रिएट स्वेलिंग एंड लाइसिस एक्टिवेट हो जाता है इंसेक्ट के गट के अंदर जाकर के और उसमें कर देता है छेद जिससे उसके एलिमेंट्री कैनाल का हो जाता है लाइसिस तो इंसेक्ट जाता है मर तो उत्तर एक ही आएगा टू का ए प्रश्न ट्वेंटी थ्री डीएनए प्रोब इज यूज इन डीएनए प्रोब का इस्तेमाल कहां किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन प्रोफाइलिंग डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक इंटरफेरॉन सिंथेसिस मैं भाई सही बता रहा हूं दिस इज अ टोटली लॉजिकल क्वेश्चन तुम्हें कुछ नहीं आता तो भी तुम यह क्वेश्चन कर पाओगे मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा भाई डीएनए प्रोब इज यूज इन ओके okay, प्रीतम ए ए यार गलत हो गया गलत हो गया भाई कैसे ठीक करना है वो मैं बताऊंगा इसको याद रखना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेहा सी संध्या सी इशिता सी एकदम करेक्ट एकदम करेक्ट देखो डीएनए प्रोब का मतलब डीएनए प्रो मतलब डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड जो कि रेडियो लेबल्ड हो भाई सिंगल स्ट्रैंड जो रेडियो लेबल हो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए उसको आप प्रोब बोलते हो क्या कहीं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रेडियो लेबल्ड चीजों की आवश्यकता पड़ी थी भाई जब आपने डीएनए को सब वट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स उसमें प्रोप का हम क्या करेंगे भाई उसमें तो प्रोप का कोई काम ही नहीं है वेस्टर्न ब्लॉट आ गया यहां पे। भाई वेस्टर्न ब्लॉट तो है ही नहीं डीएनए से रिलेटेड वेस्टर्न ब्लॉट इज रिलेटेड टू प्रोटीन्स इसमें तो डीएनए का काम ही नहीं है

तो डी एन की प्रोफाइलिंग करोगे चेक करोगे कौन सा कहां पर अगर सीक्वेंस है जीन है तो फॉर दैट यू नीड अ प्रोब राइट ऑब्वियसली यू कैन डू दैट डू दैट ऐसा ही होता है एग्जाम में आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट अगर थोड़ा भी लॉजिक लगाते तो ये क्वेश्चन चार नंबर दे जाता घर की खेती हो जाती चौबीस बीटी टी क्रॉप्स आर नॉट अफेक्टेड बाय बीटी टॉक्सिन अब बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को तो मार देगा लेकिन क्रॉप को खुद को क्यों नहीं मार देता टॉक्सिक तो टॉक्सिक है राइट अब जहर चाहे तुम पियो चाहे मैं बात तो एक ही है मरेंगे तो दोनों लेकिन यहां पर जो है इंसेक्ट अगर मर जा रहा है तो प्लांट को कुछ क्यों नहीं हो रहा यह बात है टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में इट हैज स्पेशल एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टॉक्सिन इट्स इंट्रासेलुलर मीडियम इज अल्कलाइन सो तो टॉक्सिन रिमेंस इनएक्टिव एक्टिव ये सही बात है प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है ये एक्टिवेट कब होगा जब अल्कलाइन पीएच मिलेगा इंसेक्ट के अंदर अगर इसमें अल्कलाइन होता तो यहीं एक्टिवेट हो जाता एंटीबॉडीज जैसा कुछ भी नहीं होता यहां पर राइट प्लांट की बात हो रही प्लांट के अंदर एंटीबॉडीज के नाम पे सिर्फ एक चीज है और वो क्या है फटाफट बताओ वट इज कॉल्ड एज द एंटीबॉडी ऑफ प्लांट जिन लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है मुझसे वो इस क्वेश्चन का जिन्होंने जवाब बहुत प्यार से दे देंगे वट इज कॉल्ड एज द एंटीबॉडी ऑफ प्लांट मतलब कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा क्लेम किया है कि दिस हैज अ रोल इन प्लांट्स वैसे प्लांट के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिनका कोई स्पेसिफाइड रोल नहीं है कुछ साइंटिस्ट का कहना है वो एंटीबॉडी का यानी डिफेंस का काम करती है बताओ फटाफट बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है मैंने यहाँ पे और हो सकता है नीट में पूछ लिया जाए सिर्फ तुम कर पाओगे फिर क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च है दोस्त लेटेस्ट रिसर्च में कोई नहीं घुसता सब किताब विताब पढ़ने में लगे रहते हैं तो बताओ इफ यू हैव एन आइडिया अगर कोई आइडिया नहीं है तो नो लिख दो जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें हालांकि मैंने इतना तगड़ा हिंट दिया है कि तुम बता पाओगे प्लांट में वैसे उस चीज़ का कोई रोल नहीं है लेकिन कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से ये डिफेंस में काम आती है अब किस चीज़ का रोल नहीं है प्लांट के अंदर वो तुम बेहतर जानते हो दोस्त राइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नाम सुना हुआ है राइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नाम सुना हुआ हाथ में इंक लगी हुई थी <laughs> अभी नाक के ऊपर हाथ लगा देता काम खत्म हो जाता भाई पूरे नाक का सही टाइम पे याद आ गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट एब्सोल्युटली करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा चलो पच्चीस ड्यूरिंग डीएनए एन ए फिंगर प्रिंटिंग डी एन हेल्प इन डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग में डीएनए प्रोब का क्या काम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम है साउदर्न ब्लॉटिंग में काम है ऑटो रेडियोग्राफी में काम है नन ऑफ दीज में काम है प्रोब का क्या काम रहता है प्रोब कैसे हैं? अब ये मत बोलना सर बढ़िया <laughs> प्रोब कैसे हैं सर मस्त हैं एकदम भाई प्रोब क्या है प्रोब आर रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंड्स ऑफ डीएनए अगर रेडियो लेबल्ड है तो रेडियोग्राफी में काम आएगा ना समझ पा रहे हो काम खत्म पच्चीस का उत्तर सी छब्बीस सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सही वचन का पता लगाइए मोस्ट बीटी बी आर इंसेक्ट ग्रुप नॉन स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन इज कोडेड विद क्राई जीन क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी फॉर्म प्रोटीन दैट कंट्रोल कॉटन बॉल वॉम्स क्राई वन ए बी जीन फॉर्म्स प्रोटीन दैट कंट्रोल कॉर्न बोरर फटाफट बताओ ओके okay, प्रीतम इस ट्वेंटी सिक्स का डी सुमायाग सी इशिता इज इशितांग सी सैफली सिंह सी नेहा इज सी अच्छा जो लोग भी सी कह रहे हैं मुझे ये बता दो डी में क्या गलती है इफ यू आर सेंग सी ठीक है सी ठीक है मैं मना नहीं कर रहा पर डी में क्या गलती है डी भी तो ठीक लग रहा है मुझे मुझे तो सही लग रहा है भाई अब तुम्हारा मुझे पता नहीं है इशिता इज इशितांग सी एन डी अविरूप प्रीतम सी एन डी एब्सोल्युटली करेक्ट अब ठीक है ये आंसर की में करेक्ट कर लेना आंसर की में क्या दे रखा है आंसर की में दे रखा है सिर्फ सी लेकिन ऐसा नहीं है दोनों ही करेक्ट है यार कॉन बोरर आपका क्राई वन ए बी से होता है कॉटन बॉल आपका और क्राई टू ए बी से होता है दोनों बातें करेक्ट है यहां पे ये यह क्यों गलत हो गया क्योंकि जीन का नाम जो है ना हमेशा शॉर्ट में लिखा जाता है लोअर केस में लिखा जाता है अपर केस में नहीं राइट चलो तो यहां पर हो जाएगा आपका काम छब्बीस का सी एंड डी द ट्रांसफर ऑफ रिकमेंट डीएनए थ्रू फेज इज डन बाय यानी अगर आप बैक्टीरिया सॉरी वायरस का इस्तेमाल करते हो रिकम्बिनेंट डीएनए के ट्रांसफर के लिए तो इसे कौन सा प्रोसेस बोला गया डिफ्यूजन ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कंजुगेशन कंजुगेशन तो दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज तो इसमें तो वायरस का नाम ही नहीं आया ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपका बैक्टीरिया जो है उसके चारों और कोई डीएनए पड़ा हो उसने डायरेक्टली अपटेक कर लिया इसमें वायरस का होना बहुत आवश्यक नहीं होता दोस्त लेकिन ट्रांसडक्शन जो है है इट इज अ प्रोसेस जहां पर कहा जाता द ट्रांसफर ऑफ डीएनए अ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ फेज यहाँ पे वायरस इज कम्पल्सरिली प्रेजेंट यहाँ पे डेफिनेशन में वायरस प्रेजेंट है इसको नहीं आप नेग्लेक्ट कर सकते उत्तर क्या हो जाएगा सताइस का सी अट्ठाईस फॉलोइंग आर ऑल जीन्स एक्सेप्ट सारे जीन्स हैं किसको छोड़ के क्राई वन इज क्राई टू बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो मरोगे अदरवाइज तो क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा है नीट में आने के अच्छे चांसेस हैं मतलब ऐसा नहीं आएगा लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चन भी क्वेश्चन भी आए तो यू विल गेट फोर मार्क्स अगर आपने क्वेश्चन ठीक से किया हुआ है तो. संध्या सैफली नेहा अविरूप अंजलि इशिता औलर सिंह डी सालवन क्या था सालवन तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना दोस्त रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो ये तो प्रोटीन हो गया ना एनजाइम इज प्रोटीन इट्स नॉट जीन राइट रोप क्या था रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मेड तो प्लाज्मेड के अंदर जो था एक सिक्वेंस था ये तो जीन हो गया क्राई ए बी क्राई टू ए सी तो जीन है ही प्रोटीन बनाएंगे किससे बचने के लिए क्राई वन ए सी प्रोटीन बनाएगा कॉटन बॉलबॉम से बचने के लिए क्राई वन ए बी बनाएगा कॉर्न बोरर से बचने के लिए

थर्ड जनरेशन वैक्सीन ये मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो राइट right? क्योंकि ये चीज एन में नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको एन में फटाफट नोट करो और उसके बाद मुझे थम्स अप दे दो जिस जिस बच्चे को ये बात नहीं पता थी नोट कर लो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन करंट वाली जो है इट्स अ थर्ड जनरेशन वैक्सीन और ये प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो है ही यहाँ पर बनाने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा बोथ बी एंड सी विल बी द आंसर उत्तर क्या हो जाएगा ट्वेंटी का डी हो जाएगा 29 का डी हो जाएगा डन ऑल राइट चलिए थर्टी प्रोटीन एनकोडेड जीन क्राई वन ए बी कंट्रोल क्राई वन ए बी किसे कंट्रोल कर रही थी कॉर्न बोरर को राइट right? अभी थोड़ी देर पहले देखा था क्राई वन एसी और क्राई टू ए बी यह कंट्रोल कर रहे थे किसको Cotton को कॉटन बॉलबॉम को एग्जैक्टली और क्राई वन ए बी कर रहा था कॉर्न बोरर को तो बात यहां पे खत्म हो जाती है फेवरेट क्वेश्चन आ गया भाई साहब गोल्डन राइस इज एनरेज इन गोल्डन राइस किसमें भरपूर है बीटा कैरोटीन लाइसिन विटामिन सी आयरन पहले क्वेश्चन में ही लिखवा दिया था साफ साफ बहुत साफ साफ लिखा दिया था यार बिना किसी कन्फ्यूजन के कि गोल्डन राइस एकदम फेवरेट सवाल है मार, बार बार यू नो घूम घूम के आता है पेपर के अंदर विटामिन देखे घबरा नहीं जाना मेरे भाई विटामिन ए है विच इज फॉर्म्ड बाय बीटा कैरोटीन राइट right? तो so, चाहे विटामिन ए आए चाहे बीटा कैरोटीन आए कोई दिक्कत नहीं है दोनों एक ही बात है ए आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न थर्टी टू बी टॉक्सिन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम बी टॉक्सिन का नाम क्या है बेसिलस थ्रजियनसिस नाम ही बेसिलस है तो बेसिलस ही मिलेगा ना काम खत्म बहुत ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना है प्रश्न थर्टी थ्री इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव सक्सेसफुली बीन यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया किस चीज़ के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन इंसुलिन यानी ह्यूमलिन मेलाटोनिन थायरोसिन या टेस्टोस्टेरॉन इन में से प्रोटीन कौन सा है वही तो डीएनए से बनेगा ह्यूमन इंसुलिन इज द प्रोटीन ह्यूमुल बनाया जाता है ना सिर्फ बाकी सारी चीजें नहीं बनाई जा सकती कोई स्टेरॉइड है कोई आपका अमाइड है सबसे बढ़िया जो नॉर्मल अमीनो एसिड वाला प्रोटीन है वो क्या है ह्यूमन इंसुलिन यही बनाया जा सकता है चौतीस अनेमाटोड वही आर एन इंटरफेरेंस वाला सवाल आ गया अनेमाटोड इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉजे ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड उस नेमाटोड का नाम क्या है एनसाइलोस्टोमा हुकाम वु मेलोडीजीनी इन कग्नीशिया बहुत अच्छे यार सबका ठीक है इट्स मेलोडीजीनी इनकग्नीशिया ये क्या करता है टोबैको की रूट पे अटैक करता है और रिडक्शन कर देता है इल्ड के अंदर और इतनी तगड़ी बीमारी हो जाती है कि ईल्ड जो है आधे से भी कम हो जाती है एंड दैट्स वाई इट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स टू करेक्ट इट तो आर एन ए इंटरफेयरेंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें करेक्ट हो जाए तो मेलोडी जी ने इनका इज करेक्ट ऑप्शन थर्टी फाइव द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज इस चीज को एनसीआरटी में नोट करना है दोस्त क्योंकि यह गलत होगा अधिकतर बच्चों का गलत होगा लिख के दे रहा हूं एक्सपीरियंस काफी बच्चे गलत करते हैं सवाल काफी ओके okay? बहुत बढ़िया यार काफ़ी लोगों का करेक्ट है दैट्स वेरी गुड मन फिसल जाता है किस चीज़ पे कॉटन पे बहुत ज्यादा लोगों का फिसलता है ये बहुत चिकना ऑप्शन है क्योंकि बीटी कॉटन बीटी कॉटन बीटी कॉटन इतनी बार सुना है पीवाई के अंदर एनालिसिस के अंदर रिफ्रेशर्स के अंदर बीटी कॉटन दिमाग में इतना घुस जाता है कि हम भूल जाते हैं कि टोबैको नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है राइट right? तो टोबैको जो है सबसे पहला आपका क्या था ट्रांसजेनिक क्रॉप था थर्टी सिक्स आर एन ए इंटरफेरेंस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन आर एन ए इंटरफेयरेंस किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है Eukaryotic, eukaryotic या all किन किन के अंदर होता है आर एन प्रोसेस? बता दो फटाफट दुनिया के सारे यूकेर के अंदर डजेंट मैटर वेदर इट इज सिंगल सेलर यूकेरियोट और मल्टी सेलर यूकेर सभी के अंदर जो है यूकेरट होना चाहिए बस आपका क्या मिलेगा आर इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा राइट right? प्रश्न सैतीस विच ऑफ़ द फॉलोइंग कट्स डी एन एट स्पेसिफिक प्लेस इस चैप्टर में क्या कर रहा है क्वेश्चन आई सीरियसली डोंट नो क्योंकि स्पेसिफिक प्लेस बोल दिया तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस हो जाएगा एक्जो न्यूक्लियस आपका एंड पे काटता है डी एन ए लाइगेज काटता ही नहीं है अल्कलाइन फॉस्फिटेज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिक्वेंस पे काटता है लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड पर राइट रिकोग्निशन सिक्वेंसेस पर नहीं काटता उत्तर क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तो यहाँ का नहीं था ये हम पहले कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर एन ए इंटरफेयरेंस प्रोसेस आर एन ए इंटरफेरेंस को लेकर के सही बात कौन सी है इट इज अ मेथड ऑफ सेल्युलर डिफेंस यू कैरे वॉट में सेलुरुलर डिफेंस का यह मेथड होता है एकदम करेक्ट बात है इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एम आर एन ए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मॉलिक्यूल एक सिंगल आपका एम आर एन ए स्टैंड है इसके ऊपर एक और स्टैंड आ जाता है एम आर एन ए का जिससे क्या बन जाता है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए तैयार हो जाता है और आर एन ए को अगर प्रोटीन बनाना है तो सिंगल स्टैंडर्ड रहना जरूरी है तो ये डबल स्टैंडर्ड आर एन ए हो जाता है इनएक्टिवेट सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए इन दिस प्रोसेस में बी इन्फेक्शन बायरस वायरस इस वायरस से भी सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए आता है जैसे टीएम वी है सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए है उसके अंदर ओके हैविंग आर एन ए जिनोम्स बिल्कुल करेक्ट बात है और ट्रांसपोजोन से भी आ सकता है रेट्रो ट्रांसपोजोन से तो ऑल आर करेक्ट सारी बातें करेक्ट है थर्टी एट का उत्तर हो जाता है डी थर्टी नाइन द मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरियम इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग जो शब्द गोलाई में लिया है उत्तर वही देगा तो ये नहीं देखना मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरियम इकोलाई मार दिया जबरदस्ती नहीं अगैरो बैक्टीरियम ट्यूमी फैशन प्लांट की बात हो रही है पहले सवाल सुनेंगे फिर जवाब करेंगे राइट right? ईकोलाय e. सबसे कॉमनली यूज बैक्टीरिया कौन सा है ईकोलाय e. सबसे कॉमनली यूज बैक्टीरिया कौन सा है प्लांट में अगैरो बैक्टीरियम राइट प्रश्न चालीस ए और बी क्या है डायग्राम में तो ए तो देखो भाई नष्ट हो चुका है बी अपनी बढ़िया कॉटन बॉल है तो क्या होगा कॉटन बॉलबॉम ने एक की धज्जी उड़ा दी है और एक की नहीं उड़ा पाया ये बात है बताओ फटाफट ए और भी क्या है डायग्राम में एक तो डिस्ट्रॉयड बाय कॉटन बॉलबॉम्स एक ही सही है उत्तर यहीं से मिल गया उत्तर आपका बी हो जाएगा दूसरा देखने की जरूरत नहीं है पहले ही हमें पता है डेस्ट्रॉयड है, पत्ती पत्ती छोड़ी है बाकी कुछ है ही नहीं तो डेस्ट्रॉयड बाय बॉलबॉम और दूसरा फुल्ली मेच्योर्ड कॉटन बॉल एकदम सही बात है फोर्टी वन इन विच ऑफ द प्रोसेस बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स कहां ट्रांसक्राइब होते हैं सेंस स्ट्रैंड भी और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी फटाफट बताया दोनों कहां ट्रांसक्राइब करते हैं मैं कह रहा हूं ये सवाल इतना वाहियात है अगर तुम जरा सा दिमाग लगाओ तो और वैसे ये शायद तुम्हारे पेपर का सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल हो सकता है लेकिन अगर तुम दिमाग लगाओ तो ये सवाल कुछ भी नहीं है इसमें पूछा है कि किस में डीएनए के दोनों स्टैंड ट्रांसक्राइब होते हैं भाई पीसीआर में ट्रांसक्रिप्शन कब से होने लग गई रेप्लीकेशन में ट्रांसक्रिप्शन कब से होने लग गई ब्लॉटिंग में ट्रांसक्रिप्शन कब से होने लग गई भाई ट्रांसक्रिप्शन हो ही एक जगह रही है तो सीधी सी बात है वही उत्तर होने वाला है राइट लॉजिक लगाओ डायरेक्टली दिमाग की खपत भी बचेगी और श्योरिटी भी आ जाएगी इस क्वेश्चन में मैं एक हजार टका श्योर हूं कि मेरा करेक्ट है क्योंकि तीन मैंने सीधे सीधे एलिमिनेट कर दिए पूछा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन तीन जगह तो हो ही नहीं रही एक में ही पॉसिबिलिटी है अब यही है ले दे के सही राइट right? यही है हमारा राजकुमार बस यही डिपेंड करता है अब फोर्टी टू द सोर्स ऑफ टैक पॉलीमरेज एज यूज इन पीसीआर टेक्निक इज टैक पॉलीमरेज नाम क्या है टी फॉर थर्मस ए फॉर एक्वेटिकस ए क्यू फॉर एक्वेटिकस तो थर्मोएसकेवाटिकस इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 80 90 100 डिग्री सेल्सियस पर भी पाया जा सकता है गेड़िया मारते हुए उत्तर क्या हो जाएगा 42 का सी 43 विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्टर इज यूज्ड टू ट्रांसफर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इन होस्ट प्लांट राइट बताओ उत्तर हाथ में है दोस्त कुछ बोलेंगे भी नहीं इस बारे में आप राइट right? उत्तर हाथ में है बाई प्लांट के अंदर भेजना है ना टोबैको के अंदर मेलोडी जी ने ने यानी नेमाटोड ने कहां अटैक किया है प्लांट पे तो प्लांट के अंदर भेजना है जीन इन किससे भेजोगे अगर बैक्टीरियम ट्यूमी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है काम खत्म फोर्टी फोर वट इज ट्रू अबाउट बी टी टॉक्सिन बीटी टॉक्सिन के बारे में सत्य वचन क्या है द कंसर्न बैसिलस है बेसिलस के पास एंटीटॉक्सिन होते हैं राइट right? क्या ये बात करेक्ट है आगे देखेंगे द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्ट इन टू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट ओके बी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैक्टीरियम यह प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर ओवरी मिड गट की बात होती है दोस्त तो यहां पे ओवरी नहीं है गट की बात होगी एंटी टॉक्सिन नहीं होते इसके पास बल्कि टॉक्सिन खुद ही आपका प्रोटॉक्सिन होता है ओके बी टॉक्सिन जो है एक्टिव नहीं होते इनएक्टिव होते हैं तो बाकी सारे गलत हो गए उत्तर बचा आपका बी फोर्टी फोर का आंसर हो जाता है बी राइट फोर्टी फाइव आर एन ए इंटरफेयरेंस स्टैंड फॉर अच्छा <laughs> क्वेश्चन <laughs> देखा नहीं आंसर मुंह से निकल गया यही बताना है इट्स आर एन इंटरफेरेंस तो इसमें तो मतलब कुछ था ही नहीं है क्वेश्चन क्यों है दुनिया में मुझे इसका नहीं पता यार <laughs> ये क्वेश्चन किसने बनाया क्यों बनाया आई सीरियसली डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट जो भी है पर ठीक है यार चलो क्वेश्चन ऐसा हो कि उत्तर चिपक के आ जाए एकदम साथ साथ वट इज एप्रीवेशन ऑफ बी इन बी टी टॉक्सिन Betidoxin मतलब तो बी फॉर पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे प्रश्न द फॉलोइंग विच ऑफ सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए का एक है। इसमें दूसरा स्ट्रैंड कहां से आ सकता है ये जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा ये कहां से आ सकता है दिस इज द क्वेश्चन कहां से आएगा या तो एक ऐसा वायरस जिसके अंदर आरएनए जीनोम हो तो ये आरएनए दे देगा या फिर मैंने आपको बताया था ट्रांसपोजोन और ट्रांसपोजोन के भी अंदर एक वर्ड लिख लीजिए यहां पर इन्हें कहा जाता है रेट्रो ट्रांसपोजोन रेट्रोट्रांसपोजोन यानी ऐसा ट्रांसपोजोन जहां पर आरएनए इंटरमीडिएट बनता है इट इज कॉल्ड एज रेट्रो ट्रांसपोजोन ठीक है उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी फोर्टी सेवन का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा फोर्टी एट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी टी कॉटन आर बी टी कॉटन के बारे में कुछ सही बातें क्या हैं लॉन्ग फाइबर एंड रजिस्टेंस टू एफिड एफिड बहुत ज्यादा अटैक नहीं करता है इस पर मैक्सिमम ईल्ड लॉन्ग फाइबर रजिस्टेंस टू बीटल पेस्ट बीटल भी नहीं अटैक करता है बीटी कॉटन पर अटैक कौन करता है कॉटन बॉल बॉम कौन पे कौन करता है कॉन बोरर तो यहाँ पे क्या आया कॉटन बॉल बॉम आया ना तो बॉल बॉम अटैक करेगा तो हाई ईल्ड चाहिए और बॉल से चाहिए काम खत्म इतना टाइम पास करना ही क्यों एक ही वर्ड तो ढूंढना है हमें बैठ जाएंगे ना डिप्टेरा ना बीटल ना एफिड कॉटन बॉलबॉम ढूंढो काम खत्म कर दो प्रश्न उनचास हाउ अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में पूछा है पूरी दुनिया में कितने रिकम्बिनेट थेरापेटिक्स बनाए जा चुके हैं लगभग तीस और इन तीस में से इंडिया में कितने कमर्शलाइज हो चुके हैं होते हैं बिक रहे हैं तुम्हें मिल जाएंगे बारह राइट में से बारह हमें मिल जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या बना सकता है टायरोसिन इंसुलिन ग्लाइकोजन एडीएच वही बात है यार सीधी सी बात है कार्बोहाइड्रेट एलिमिनेट कर दो और यू नो स्टेरॉइड्स वगैरह एलिमिनेट कर दो उत्तर सिर्फ प्रोटीन में आएगा इंसुलिन बनाता है आपका बैक्टीरिया यानी इकोलाय e. ह्यूमलिन उसे कहा जाता है पचास क्वेश्चन हो चुके हैं यार बल्ला उठा दीजिए अपना अपना सलामी दे दीजिए एक बार बल्ले की जिससे आइडिया लग जाए हाफ सेंचुरी वी जस्ट नीट टू कम्प्लीट सेंचुरी ओनली एक सौ तीन क्वेश्चन हैं यानी आधा हम लोग जो है अभी कर चुके हैं अराउंड इन फोर्टी फाइव मिनट्स यानी अराउंड फोर्टी फाइव मिनट्स वी हैव गॉट सिर्फ और पैंतालीस मिनट ही बचे हुए हैं उसके बाद थोड़ा सा एक माइंड मैप आएगा फिर एक और लेक्चर आएगा लाइव साढ़े चार पौने पाँच के आसपास कोशिश करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन लेकर आए देखते हैं नहीं हुआ तो रात को ले लेंगे एक माइंड मैप और अपलोड कर देंगे मतलब आज कॉन्टेंट काफ़ी ज़्यादा है राइट ऑफ डेली बेसिस पे ही ज़्यादा रहेगा क्योंकि मेरे पेपर हो चुके हैं ख़त्म और तुम्हारे हो चुके हैं शुरू तो अब तुम फटोगे अब ओके <laughs> एक्चुअली okay, मैं बता रहा हूँ मैं डिस्टेंस से एम भी कर रहा हूँ ना साथ साथ तो मेरे पे दो डिग्रीज का प्रेशर है मेरे भाई बात है मेरी खुद की डिग्री तो चल ही रही है उसके साथ साथ मैं एम भी कर रहा हूँ ये बात है एंट्रप्रेनरशिप में समझ रहे हो तो मतलब तुम्हें पढ़ाना बैचेस पे पढ़ाना खुद की पढ़ाई करना साथ में एक ऑल्टरनेट डिग्री अलग से करना लोचा बहुत है जीवन में फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम कभी कुत्ते भोगने लग जाते हैं घर के आगे मंदिर के पास रहता हूँ तो कई बार डीजे बज जाता है अभी जब सावन का महीना चल रहा था यहाँ पे बहुत मानते हैं तीज वीज फेस्टिवल यहाँ पे बहुत यू नो प्रचंड है हरियाणा में राजस्थान में बहुत बनाते हैं तो डी बज जाता है अब धार्मिक बात है तो कुछ कह भी नहीं सकते तुम तो पता है यार मारामारी हो जाएगी <laughs> तो इसीलिए और ठीक है चलता भी है यार कुछ ही दिन सो दैट्स राय यहाँ पर क्या है कि लोचा है भाई बहुत सारे काम रहते हैं इसीलिए पर अब मैं फ्री हो चुका हूँ पेपर हो चुके हैं मेरे ख़त्म तो अब जो है मचाएंगे अच्छे से हाउ मैंने रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंटली बीन इन मार्केटेड इन इंडिया बारह अभी बताया था पीछे दो स्लाइड पीछे चलो बारह इंडिया में थे टोटल तीस थे तो बारह इंडिया में काम खत्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज बायो वेपन इनमें से कौन सा बायो वेपन नहीं है यानी बीमारी कौन कॉज नहीं करता बेसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स कॉज करता है बॉटील टॉक्सिन बॉटलिज्म कॉज करता है स्मॉल पॉक्स ऑब्वियसली खतरनाक बीमारी है यार ये तो बचाता है ये तो आपके प्लांट को बचाता है बीमारी से ये कोई बायो वेपन नहीं है राइट ये तो बढ़िया आदमी है तो ये बायो वेपन नहीं काफी बार कुछ किस्से आपने सुने होंगे नहीं सुने हो तो मैं सुना देता हूँ एक बहुत ज्यादा फेमस किस्सा है यूएस प्रेसिडेंट के पास एक बार एक चिट्ठी गई थी अगर वो चिट्ठी डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट खोलते तो उनको क्या हो जाता एंथ्रेक्स हो जाता उस चिट्ठी के अंदर उस एनवेलप के अंदर एंथ्रेक्स के स्पोर्स थे यानी अगर मैं उस चिट्ठी को खोलता हूँ और एंथ्रेक्स के स्पोर्स इन्हेल कर लेता हूँ जाहिर सी बात है चिट्ठी खुलने पर हल्के स्पोर्स इनहेल हो जाएंगे तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ इसी हिसाब से काफ़ी जो लोग हैं वो इसको वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं कोई वायरस कोई बैक्टीरिया किसी देश में भेज दिया विच इज़ यूनिक विच इज़ नॉवल जिसके खिलाफ़ अभी कोई कड़ी दवाई नहीं बनी है तो सामने वाला पूरा देश भी हो सकता है दोस्त बीमार पड़ जाए स्मॉल पॉक्स अंजलि अभी एग्जिस्ट नहीं करता एग्जिस्ट तो ऑब्वियसली करता बट किसी को फर्क नहीं पड़ता राइट right? अब स्मॉल पॉक्स इेट हो चुका है दुनिया में से तो अब इसका कोई खास लेन देन हमारे साथ नहीं है फिफ्टी थ्री द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकम डीएनए टेक्नोलॉजी इज इंसुलिन को बनाने में मेन चैलेंज क्या था ए पेप्टाइड बनाना बी पेप्टाइड बनाना असेंबल करना मेच्योर फॉर्म में या ऑल ऑफ द तो यार प्रोटॉक्सिन में देखो प्रोटॉक्सिन कह रहा हूं प्रो इंसुलिन में ए बी और सी तीनों की तीनों चेन्स प्रेजेंट थी पेप्टाइड चेन्स फिर सी को हटाना था तो क्यों ना हम ए और बी को डायरेक्टली जोड़ दें क्योंकि ए बी सी बनाओ तो सी क्यों हटेगी वो तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है लेबोरेटरी में तो इतना आसान है नहीं तो सबसे मुश्किल वाली जो चीज थी वो थी असेंबलेज इसको करेक्ट करना था बस राइट ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यानी अगर आपको प्लांट को रिकमेंट बनाना है तो क्या करोगे जीन म्यूटेशन करा दोगे उसके अंदर अरेस्ट करा दोगे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को जिससे सेल डिवीजन रुक जाए सेक्स क्रोमोसोम डिलीट कर दोगे या फॉरेन जीन अंदर डाल दोगे भाई इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनेसिस नो क्या हो जाएगा भाई ट्रांसजेनेसिस का मतलब क्या है आप फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उत्तर तो यही है पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी लिंक्ड बाय उ मैनी डायज बिटवी प्रो इंसुल ये अगर पेप्टाइड ए है ये अगर पेप्टाइड बी है, तो इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? क्या बोलते हैं ए और बी के बीच में जो है इन्हें क्या बोलते हैं इंटरचेन डाइसल्फाइड डायसल्फाइड बॉन्ड दो चेन के बीच में और एक जो है ना इसी के अंदर जो है इट्स कॉल्ड इंट्रा सेम चेन के अंदर राइट right? इंट्रा इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं दोस्त इंसुलिन के अंदर इंट्राचेन होते हैं वन इंटरचेन होते हैं दो तो आपसे क्या पूछा ए और बी के बीच में यानी इंटरचेन पूछे तो कितने हो गए दो हो गए राइट इंट्राचेन एक ही चेन के अंदर होगा तो एक ही नंबर है इंटरचेन दो चेन के बीच में होगा तो दो ही नंबर है ऐसे याद कर लो मेरे को भी ऐसे याद है राइट right? तो जिंदगी भर भूलने के कोई चांस ही नहीं है तो इंट्रा इंटर कोई कुछ भी पूछ ले दबा के आंसर मार दोगे छप्पन सम ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमुलिन आर गिवन बिलो चूज द करेक्ट सिक्वेंस सिक्वेंस बताना है प्योरिफिकेशन ऑफ ह्यूमिलिन एंड में चले गए हम लोग एक्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट जीन प्रोडक्ट फ्रॉम इंसुलिन एंड में चले गए कल्चरिंग ऑफ रिकम्बिनेंट इकोलाई इन बैक्टीरिया इन बायरैक्टर बीच का स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मेड इंसर्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इंटू प्लाज्मेड सिंथेसिस ऑफ जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली बताओ यार झटपट सिंथेसिस ऑफ जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली एक जीन बनाया अब क्या करोगे उसे प्लाज्मिड में डालोगे फिर क्या करोगे भाई प्लाज्मिड को इकोलाय में डालोगे अब क्या करोगे उसे ग्रो करने दोगे फिर क्या करोगे रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट निकालोगे फिर क्या करोगे उसे प्योरिफाई करके मार्केट में बेचोगे क्या हो गया उत्तर देख लो यार अपने हिसाब से सब लोग कह रहे हैं सी करेक्ट ही होगा सी इज गोइंग टू बी द आंसर ठीक है चलो सत्तावन विच अमेरिकन कंपनी नाइनटीन एटी थ्री प्रिपेयर्ड ह्यूमलिन पहले क्वेश्चन आ चुका है एली लीली ली? हमने बता दिया था सेम क्वेश्चन है तो रिपीटिशन है टाइम लगाने का कोई पॉइंट नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रो हॉर्मोन प्रो इंसुलिन इंटू मेच्योर इंसुलिन सिंथेसिस यानी प्रो हॉर्मोन जब आपका मेच्योर्ड हॉर्मोन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है सी पैप्टाइड एड करी जाती है सी पैप्टाइड रिमूव करी जाती है बीटा पैप्टाइड का कोई लेन देन नहीं है ए और बी वैसे के वैसे रहते हैं हमें पता है कि सी पैप्टाइड रिमूव हो जाती है जो आपका प्रो हॉर्मोन है इसमें क्या रहता है प्रो हॉर्मोन में रहते हैं ए बी और सी और मेचोर इंसुलिन में रहते हैं सिर्फ ए और बी सी हट जाती है तो सी हटेगी तो हटा दो उत्तर हो जाएगा फिफ्टी एट का बी फिफ्टी नाइन सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सत्य वचन का पता लगाओ इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स में डेवलप एलर्जी इन सम पेशेंट बिल्कुल अगर आप पिग से या किसी और ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन लेते हो तो उनमें एक दो अमीनो एसिड का फर्क होता है तो एलर्जी हो सकती है इम्यून रिएक्शन हो सकते हैं सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन एकदम करेक्ट है सिर्फ ए और भी पाए जाते हैं मेच्योर में रिकम्बिनें थेरापेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्ड भाई रिकम्बिनेट थेरापेटिक्स जो है वो आपकी बॉडी के ही तो प्रोटीन है अगर मैंने अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाल दिया और बैक्टीरिया इंसुलिन बना रहा है तो वो एक्चुअल में, में मेरा इंसुलिन बना रहा है तो मेरा इंसुलिन मुझ पर कोई अटैक नहीं करेगा इट इज गोइंग टू बी हंड्रेड परसेंट सेफ सिक्योर विद जीरो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन एंड जीरो एलर्जिक रिएक्शन कोई इंफ्लोमेशन कोई कुछ नहीं होगी तीसरी भी सही बात है इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली इन डायबिटिक पेशेंट ये बात गलत है भाई तो उत्तर क्या हो जाएगा सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट ए बी सी ट्रू है डी गलत है ओरली क्यों नहीं खा सकते बताओ यार कोई ओरली क्यों नहीं खा सकते रीजन बता दो मुझे फटाफट झटपट मान लो मैं इंसुलिन लाया इंजेक्शन लगाता हूं ब्लड में सीधा भाई खा जाऊं अगर इंसुलिन की गोली बना करके तो क्या दिक्कत है आफरीन पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वेरी गुड इशिता सिंह डाइजेस्ट इन स्टमक एप करेक्ट एक ही बात है भाई प्रोटीन खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा फिर सर जो इंजेक्शन है वो भी तो हमारी बॉडी में जा रहा है भाई इंजेक्शन कहाँ पे जा रहा है ब्लड में जा रहा है ब्लड में चीज़ें कब पहुंचती हैं डाइजेशन के बाद यानी ब्लड में अगर कोई चीज़ पहुंच गई डाइजेशन का स्कोप ऑलरेडी खत्म हो चुका है चीज़ें ऑलरेडी डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आती हैं तो डाइजेशन का कोई स्कोप बचा ही नहीं तो कोई भी इसीलिए प्रोटीनेशियस अगर आप फार्मास्यूटिकल कोई भी दवाई लेते हो इट इज गिवन इन ब्लड राइट अदरवाइज मेटाबोलाइज कर ली जाएगी इसलिए ओरली नहीं दे सकते कैंसर इज जनरली कॉज ड्यू टू एक्टिवेशन और कन्वर्जन ऑफ कैंसर क्यों कॉज होता है कन्वर्जन हो गया डैश टू डैश तो नॉर्मल जो चीज थी यानी जो सेफ चीज थी इसका डेंजरस चीज में इसका कैंसर के अंदर तब्दीली हो गई सेफ चीज कौन सी होती है प्रोटो ऑनकोजींस और कैंसर कॉजिंग जीन्स जो है ये ऑनकोजीन्स तो प्रोटो ऑनकोजीन्स ऑनको जीन्स ढूंढ लो ये तो हो गए एंड इनएक्टिवेशन ऑफ डैश ट्यूमर सप्रेसर जीन जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं वो इनएक्टिवेट हो चुके हैं तो अब कोई ट्यूमर सप्रेस नहीं हो पाएगा ट्यूमर को बढ़ावा मिलेगा यानी कैंसर हो जाएगा उत्तर हो जाता है साठ का सी प्रश्न इकसठ विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्यन ऑफ प्रो इंसुलिन इंसुल इंसुलिन सी पेप्टाइड रिमूव कर दी जाती है सिर्फ ए और बी बचते हैं ये बात कई बार हम लोग नोट कर चुके हैं बी टी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स अगर खा लें बी टी टॉक्सिन तो क्या दिक्कत होगी नहीं क्यों नहीं होगी यह पूछा है प्रो इनएक्टिवेशन रिक्वायर अबव ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है बीटी टॉक्सिन रिकोगनाइज ओनली इंसेक्ट स्पेसिफिक टारगेट ओके बट एक्टिवेशन के लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए बीटीटॉक्सिन फॉर्मेशन फ्रॉम प्रो बीटीटॉक्सिन रिक्वायर पीएच लोअर देन दैट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक ह्यूमन स्टमक में पहली वन पॉइंट एट पीएच है उससे लोअर क्या लोगे भाई तेजाब की फैक्ट्री खोल के बैठ जाएगा पेट में नहीं हो पाएगा

सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है विच पार्ट ऑफ द डायग्राम शोज़ दैट इंसुलिन इन आवर बॉडी सिंथेसाइज इन इमेच्योर फॉर्म इमेच्योर फॉर्म में बनती है तो ये तो एक तो ए से पता लग रहा है ए तो है ही आपकी इमेचोर इंसुलिन प्रो इंसुलिन है ये वाली मेचोर है इमेचोर के अंदर सिर्फ ये बी था तो ये भी इमेच्योर के अंदर आ रहा है ए और बी ए और बी ए और बी उत्तर क्या हो जाता है आपका सी हो जाता है एक बार की में देख लेते हैं सिक्सटी थ्री का सी करेक्ट है यही बताना था मतलब राइट एक्चुअली बी और सी ऐसे ऊपर नीचे कर दिया है ना तो बी आपका ये है जो सी वाली चेन है ऑप्शन है वो चेन का नाम नहीं है राइट right? अब कहने को तो ये चेन सी चेन है लेकिन इसका नाम दिया हुआ है बी इसीलिए कन्फ्यूजन हो गई थी राइट right? उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए एंड बी वैसे नहीं पूछा जाएगा बहुत बकवास सवाल है राइट टोटली इ रिलेवेंट वाई इज इंसुलिन नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरली अभी बात की थी डाइजेस्ट हो जाएगा बिकॉज इंसुलिन इज बिटर इन टेस्ट इट विल लीड टू सडन डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल पहुंचेगा तब तो पैप्टिक अल्सर हो जाएंगे नहीं इंसुलिन इज अ पैप्टाइड और पैप्टाइड हो जाता है डाइजेस्ट आपका स्टमक में यह बात हो जाएगी राइट right? उत्तर हो जाएगा सिक्सटी फोर का बी सिक्सटी फाइव द मेथड ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एनवॉल्व द यूज ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या क्या चीजें करोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे टैक पॉलीमरेज इज ऑलिगोन्यूक्लोटाइड प्राइमर या ऑल ऑफ दिस बहुत चिकना क्वेश्चन है भाई फिसल सकते हो बच के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस किस चीज का इस्तेमाल करोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डीएनए को काटने के लिए टैग पॉलीमरेज इज ऑलिगोन्यूक्टाइड प्राइमर सबका करेक्ट है यार दैट्स वेरी इंप्रेसिव वेरी गुड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक क्रोमोसोम के अंदर जो भी डीएनए है उसको काटने के लिए जीन्स को सेपरेट करने के लिए लेकिन टैक पॉलीमरेज और ऑलिगोनोटाइड प्राइमर इज यूज इन पी हमें यहाँ पर एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता नहीं है तो ऑल ऑफ दीज देख के अक्सर बच्चे फिसल जाते हैं खामखा में है। पर ऐसा नहीं करना है उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 66 प्रो इंसुलिन कंटेन प्रो इंसुलिन में क्या है आपका ए बी और सी तीनों प्रेजेंट है तो ऑल ऑफ दिस वुड बी द आंसर और मेचोर्ड में क्या है सी गायब हो जाएगी तो उसमें सिर्फ ए और बी है ये काफ़ी बार कर चुके हैं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको सिक्सटी सेवन वट इज द सोर्स ऑफ टी आई प्लाजमेट विच इज मॉडिफाइड एंड यूज एज अ क्लोनिंग वैक्टर टू डिलीवर डिजायर जींस इन टू प्लांट सेल टी आई प्लाजमेट किससे मिलता है अगर ओ बैक्टेरियम ट्यूमी फैशन ये भी एकदम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामर का कितनी बार आ चुका है यार ये क्वेश्चन आज आई थिंक ये चार बार क्वेश्चन आ चुका है अगर ओ बैक्टेरियम ट्यूमी फैशन और लास्ट चैप्टर में तो इतनी बार आया था यार हद हो गए मतलब तो ये कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर्स के एकदम कुछ नहीं मिला डालो राइट right? जैसे मुंबईया लोग रहते हैं ना मुंबई वाले एकदम पाओ हर चीज़ में बड़ा मस्त एकदम <laughs> तो कुछ भी टमाटर पाओ एकदम कुछ भी जो मिला पाव पाओ डाल दो एकदम अपनापन आ जाएगा उसमें इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर को नहीं मिला एसफेज ले एसफेज ले विटामिन ए गोल्डन राइस <laughs> अगैरबैक्टीरियम और एक और है वो को ले बेटा खा तो ये चार पांच अपने बढ़िया रट के जाओ सोलह नंबर मुफ्त के बिकॉज ये आते हैं यार इनमें से दो तो आते हैं चार में से अक्कड़ बक्कड़ करके पर्ची उछलती है हर बार एग्जामिनेशन सेंटर पे ये होता है मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि पेपर बनाने वाले बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं पेपर बनता है कंप्यूटर पे सेट होता है बारह तेरह सेट आता है ऐसा नहीं है पर्चियाँ उछलती हैं फिर पर्ची में जिसका जो क्वेश्चन आता है चार में से वो एक जना डिसाइड करता है फिर दूसरा पर्ची उठा उछालता है फिर चार में से जो फर्स्ट सेकेंड आते हैं उनके दो क्वेश्चन रख लेते हैं अगर चारों जो अपने हिसाब से करेंगे फिर हो सकता है चारों क्वेश्चन भी आ जाए लेकिन दो आने रहते हैं मोस्टली मतलब यू जी सी की गाइडलाइंस के हिसाब से और एम सी आई की गाइडलाइंस के हिसाब से चार में से दो ही आएंगे तो भैया चार पर्ची उठ लेंगे तो दो ही क्वेश्चन आएंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम एनजाई में और आपका गोल्डन राइस और एग्रोबैक्टीरियम टूमी और एसिटाइल उसमें से एस फेज वाले में से दो मिलेंगे मिनिमम ये है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से बाकी चार भी आ सकते हैं मिनिमम है ये मतलब बेयर मिनिमम ठीक है चलो सिक्सटी एट द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी कहां पर आई कौन से सन में बताओ यार फटाफट ये आई 1990 के अंदर 1990 के अंदर कौन सी थी क्लिनिकल जीन थेरेपी डेफिशिएंसी चार साल की बच्ची के अंदर दी गई थी द थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग एंड पफू आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आर टैग क्या है डीएनए पॉलीमरेज है अब टैग तो सुना हुआ थर्मासेक्वेटिकस पफू क्या है कोई बताना चाहेगा पफू क्या है पाइरोकोकस अच्छा पर तुम लिख दो अगर तुम्हें पता है तो बताओ इफ यू नो द आंसर पीछे नाम भी आया था मुझे पता नहीं तुमने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है ये देख ये देखो पाइरोकोकस फ्यूरियोसस राइट right? आता है नाम पीछे पर डीपीपी तुम्हारे पास थी नहीं बट जिन बच्चों के पास थी दे मस्ट हैव सॉल्व दिस अप तो डीएनए पॉलीमरेज जो है टैक और पीएफयू ये इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि ये डिग्रेड ना हो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी क्योंकि सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस पर इन्हें जो है पॉलीमराइजेशन करनी है पीसीआर के अंदर तो हायर टेम्परेचर टॉलरेंस इज़ नेसेसरी सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग गंदी बात का पता लगाओ एडीनोसिन एमिनेस पहले ही गलत हो गया इट्स डी उत्तर मिल गया है आगे बढ़ जाओ इनकरेक्ट मैचिंग पहले मिल गई है एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट लिंग करेक्ट है पीसीआर पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन चेन रिएक्शन रिएक्शन भी थोड़ा सा गलत है राइट बट मेन वो गलत है एमिनेस तो एकदम ही गलत हो गया है तो पॉलीमर्स लिखने में हो सकता है गलती हो गई हो पीके यू फिनाइल किटोन यूरिया यह भी करेक्ट है राइट तो अब गलती निकालनी ही है एकदम ही पैसिमिस्ट हो तो ए और सी वैसे ए टेक्निकली राइट चलो प्रश्न इकहत्तर द टर्म मोलिकुलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लास्ट चैप्टर में बहुत बार किया है एडीए ड्यू टू की deficiency किस वजह से होती है जीन इंसर्शन की वजह से इंसर्शन की वजह से कौन सी डेफिशियंसी होने लगी डुप्लीकेशन की वजह से दो कॉपी हो गई है डिलीशन की वजह से या ट्रांसलोकेशन की वजह से भाई एकदम बेसिक सवाल है अगर किसी चीज की इंसर्शन हुई है तो जीन बढ़ा है अगर डुप्लीकेशन हुई है तो डुप्लीकेट कॉपी बनी है बढ़ा है ट्रांसलोकेशन हुई है तो एक जगह से दूसरी जगह चला गया वैसा का वैसा रहेगा भाई डिलीशन से कमी आएगी ना उत्तर तो यही है राइट प्रश्न सेवेंटी परमानेंट क्योर ऑफ डेफिशिएंसी परमानेंट शब्द पर फोकस करना है उत्तर यहां से आएगा एडीए डेफिशिएंसी का अगर एकदम परमानेंट इलाज करना है सटीक इलाज तो क्या करना पड़ेगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट देने पड़ेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ेगी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एडीए जीन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालना पड़ेगा भाई अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आप एडीए जीन डाल दोगे तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बहुत कम सेल बने हैं बेबी के अंदर तो उस टाइम पर अगर आप कुछ सेल्स के अंदर भी एडीए डाल देते हो तो क्या होगा बार 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 वो जीन वो जब वो सेल्स जब रेप्लीकेट करेंगे अपनी कॉपीज बनाएंगे काफी सारे सेल्स बनाएंगे आपकी बॉडी के अंदर तो एडीए जीन भी जो है इसका नंबर भी बढ़ जाएगा उत्तर क्या हो जाता है सेवनटी थ्री का डी सेवन द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी टू में दी गई थी चार साल की बच्चे के अंदर यह बात है उत्तर क्या हो जाता है सेवेंटी फोर का सी राइट सेवेंटी फाइव द कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस इन्वॉल्व कन्वेंशनल पूछा है अब कुछ तो मॉडर्न मेथड्स हैं जैसे पीसीआर ये तो जरा सा भी अगर कुछ है राइट डी एन उसको इतना एम्पलीफाई कर देगा वन बिलियन टाइम इन यू नो एम्पलीफाई कर देगा सौ करोड़ कॉपीज बना देगा तीस साइकिल्स के अंदर एलाइजा ये आपके एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर ही आ गए पीसीआर एलाइजा तो यूरिन एनालिसिस स्टूल एनालिसिस ब्लड सैंपलिंग ये सारी चीजें कन्वेंशनल मेथड्स में आती है छिहत्तर पीसीआर इज यूज इन द डिटेक्शन ऑफ कैंसर जेनेटिक डिसऑर्डर, एच या ऑल ऑफ दिस किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है पीसीआर पीसीआर आर इज यूज इन द डिटेक्शन ऑफ एच कैंसर जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑल ऑफ दिस आंसर इज ऑल ऑफ दिस देखो एच के अंदर तो जो वायरल जीनोम है उसको एम्पलीफाई कर देगा कैंसर के अंदर भी जो आपकी चुनोब म्यूटेशन है उसको भी पकड़ने का काम करता है वेदर अ थिंग इज म्यूटेटेड और नॉट फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी इसको इस्तेमाल किया जाता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी यह पकड़ लेता है सेवनटी सेवन वेन अ पेशेंट विद डिफेक्टिव एडी ए इज ट्रीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म्ड फॉर जीन थेरेपी अगर एक एडीए वाला पेशेंट है तो जीन थेरेपी के लिए कौन कौन से स्टेप्स किए जाएंगे लिम्फोसाइट आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेशेंट उसके लिम्फोसाइट निकाले जाएंगे एकदम सही है लिम्फोसाइट कल्चर में डाले जाएंगे कॉपी बनाई जाएंगी लिम्फोसाइट आर ट्रांसफेक्टेड विद नॉर्मल एडीए जीन उनसे नॉर्मल एडीए जीन जो है डाला जाएगा डिफेक्टेड वाला निकाल करके इनकेस अगर कुछ है भी ओके okay, वैसे तो होता नहीं है द ट्रांसफेक्टेड सेल्स आर रिटर्न टू द पेशेंट उनकी कॉपी बना करके पेशेंट में भेज दिया जाएगा सारे इस्तेमाल किए जाते हैं अच्छा सिर्फ ये पूछा है कि कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं सारे स्टेप इस्तेमाल होते हैं उत्तर क्या हो जाएगा सेवेंटी सेवन का ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट टू हैव इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाने के क्या क्या बेनिफिट हैं इट इज जस्ट एज इफेक्टिव एंड इज लेस एक्सपेंसिव उतना इफेक्टिव होता है कम पैसे लगते हैं अगर बल्क में बनाओ तो इट कैन बी प्रोड्यूस इन लार्जर क्वांटिटी वही बल्क में बायोरिएक्टर में बनाना पड़ेगा इट इज नॉन एनर्जिक क्योंकि आपका खुद का प्रोटीन है सगा प्रोटीन है ऑल ऑफ दीज एकदम सही बात है सारी बातें करेक्ट सेवेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इज डिफेक्टिव इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिवियर कंबाइंड सिंड्रोम या इम्यूनोडेफिश्रोमसीआई से एस सी आई डी हो जाता है एडीए right? की कमी हो जाती है तो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम एकदम बैंड बच जाती है उसकी तो इसीलिए एस सी आई डी हो जाती है इम्यूनोडेफिशियंसी हो जाती है तो एडीए इज द करेक्ट आंसर अ फंक्शनल ए डी ए का सी डी एन ए कैन बी इंट्रोड्यूज इन टू द पेशेंट रिसीविंग

नो no यार आगे से थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो करेक्ट हो जाएगा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ओके चलो एट्टी का सी भाई प्रोब क्या होता है चाहे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो चाहे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए पहली बात दूसरी बात रेडियो लेबल्ड होना चाहिए ये दो बातें अगर हैं तो काम हो जाता है ये दो बातें होनी ही पड़ेंगी उत्तर क्या है अब सिंगल स्टैंडर्ड देख लो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लेकिन रेडियोबल्ड नहीं लिखा है डबल स्टैंडर्ड वैसे गलत हो गया डबल स्टैंडर्ड वैसे गलत हो गया अब सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए है अब आप सोचोगे डी एन ए नहीं है कोई बात नहीं आर एन ए भी हो सकता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल सी सबसे करेक्ट है राइट right? चलो एटी टू विच जीन डज नॉट अपियर इन फोटोग्राफिक प्लेन फिल्म इन ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी में फोटोग्राफिक फिल्म पर कौन सा जीन नहीं आएगा हाउस कीपिंग जीन स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड जीन म्यूटेटेड जीन मतलब जो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो दिखाई दे जाएगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब के साथ बाइंड कर जाएगा हाउस कीपिंग जीन मतलब जो हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं हाउस कीपिंग मतलब घर पे कोई ना कोई रहना चाहिए ना तो घर में यानी आपकी बॉडी के अंदर ऑलवेज कीपिंग यानी ऑलवेज एक्सप्रेसिंग जीन प्रेजेंट रहते हैं जिनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है ऐसे प्रोटीन जिनके बिना काम नहीं चलेगा अब चाहे स्ट्रक्चरल जीन हो यह भी प्रोटीन बनाएगा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड जीन भी बनाएगा म्यूटेटेड जीन अगर म्यूटेटेड है तो इसके साथ क्या प्रोब बाइंड कर पाएगा नहीं तो प्रोब की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी अगर प्रो भी बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या यह ऑटो रेडियोग्राफी में चमकेगा नहीं चमकेगा चमकेगा ही नहीं नहीं चमकेगा नहीं दिखाई देगा सीधी सी बात है काम खत्म राइट एटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कौन है एलाइजा चाहे एंटीजन के बेसिस पे एंटीबॉडी पकड़ लो चाहे एंटीबॉडी के बेसिस पे एंटीजन पकड़ लो दोनों को डिटेक्ट कर सकता है यानी आपके खून में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं कि नहीं कोविड के खिलाफ लट से तो कोविड का जो एंटीजन है उसके साथ रिएक्शन करा दूंगा अगर आपके ब्लड में एंटीबॉडी होंगी तो पकड़ी जाएंगी रिएक्शन दिखाई दे जाएगा अगर आपकी बॉडी में समझ लो कोविड का वायरस मुझे चेक करना है कि है कि नहीं तो एंटीबॉडी रख दूंगा नीचे अगर वायरस होगा तो फटाफट के लपक जाएगा उसके साथ तो चाहे एंटीबॉडी के दम पे एंटीजन पकड़ो चाहे एंटीजन के दम पे एंटीबॉडी पकड़ो एक ही बात है इज गोइंग टू बी द द करेक्ट चॉइस 84. ऑफ फॉलोइंग कैन कर फॉलोटेड बाई डिटेक्ट कर सकते हो प्रोटीन एंटीजन कोई भी एंटीजन हो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कर सकते हो ग्लाइको प्रोटीन एंटीजन प्रोटीन हो गया काम खत्म ढूंढ लेगा सिंथेसाइज अगेंस्ट पैथोजन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है ना कोई भी पकड़ लेगा उत्तर क्या हो जाएगा 84 का डी 85 over ओवर नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल आपको क्या लगता है इनमें से कौन से होंगे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास एक पिंजरे में सौ चूहे पाल लो या फिर एक फार्म में सौ सुअर पाल लो कौन सा ज्यादा इजी पड़ेगा ऑब्वियसली चूहे पालना ना काम सेम है, है तो मैमल ही काम सेम है और खर्चा कम है लाइफ साइकिल भी छोटी है सारे प्रॉफिट्स हैं तो उत्तर हो जाएगा चूहा एट्टी सिक्स ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू स्टडी डिजीज़ किसमें कौन से डिजीज़ हो सकती है हम डिजीज करके देखते हैं कि उसके खिलाफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कैसा आ रहा है कौन कौन से ऑर्गन शाम हो रहे हैं टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे एंटीबॉडी काफ़ी बार एनिमल्स में तैयार की जाती है अगर आपको नहीं पता है तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई एंटीजन जो है हॉर्स के अंदर इंजेक्ट कराइए हॉर्स जो है एंटीबॉडी बना देगा थोड़ा सा बीमार पड़ के उस एंटीबॉडी को प्योरीफाई करके आप खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं राइट right, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडी टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी भाई चूहे का बंदर का इस्तेमाल होता है ऑल ऑफ दीज सारी बातें हो सकती हैं काम खत्म राइट right, उत्तर क्या हो जाएगा 86 सिक्स का डी 87 सेवन मैच द कॉलम एम्फिसिमा रोजी एलाइजा आर सबसे आसान देख लेते हैं एलाइजा एलाइजा क्या है एंटीजन एंटीबॉडी सी का वन चलो भाई किस्मत साथ दे गई एक ही करेक्ट है पहली बार में पता लग गया है दोस्त अब बाकी जो है उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो आर ओ पी भी ठीक है कोड फॉर प्रोटीन ये भी ठीक है रोजी जो है प्रोटीन एंड रिस्ट मिल्क और एमफीसीमा का अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन ठीक है राइट इट इज करेक्ट एटी एट ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रिपेयर फॉर द फॉलोइंग डिजीज एनालिसिस एक्सेप्ट यानी हर डिजीज को चेक करने के लिए एक एक हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल है एक के लिए नहीं है कैंसर के लिए है बनाए जा चुके हैं एनिमल मॉडल्स आर्थराइटिस के लिए है है सिस्टिक फाइब्रोसिस अल्जाइमर के के लिए है, के लिए एड्स नहीं है उत्तर क्या हो जाएगा एट्टी नाइन रोजी ट्रांसजेनिक का नोन टू प्रोड्यूस ऑफ मिल्क विच द फॉलोइंग सारी चीजें पाए जाएंगी रोजी के दूध में एक को छोड़ प्रोटीन कॉन्टेंट होगा दो पॉइंट चार ग्राम पर लीटर एकदम सही है इट हैज ह्यूमन अल्फा लेक्टेलबीमिन यानी कि मजा आ जाएगा राइट दूध को पी करके शक्ति मिलेगी मोर बैलेंस डाइट देन नॉर्मल मिल्क फॉर बेबीज एकदम करेक्ट है रिच इन कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना नहीं यार कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना नहीं है एट्टी नाइन का उत्तर क्या हो जाएगा डी नाइनटी रोजी वॉज प्रोड्यूस इन ईयर रोजी कब पैदा हुई थी कब बनाई गई थी तो मेरी जन्म वाले साल ही बनाई गई थी 1997 में तो मेरे को ऐसे ही याद है डायरेक्टली तुम्हें जैसे याद करना है देख लो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू राइट क्योंकि डेट है याद करनी पड़ेगी कोई ऑप्शन नहीं है नाइन्टी वन जी एम ओ या ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज इन टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमन्स कौन सी ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल किया गया था यूजअली माइस का इस्तेमाल किया जाता है राइट right? और इन्हें किल नहीं बोला जाता डेड नहीं बोला जाता सेक्रीफाइस बोला जाता है साइंस में राइट right? माइस की बड़ी इज्जत है साइंस के अंदर घर पे नहीं है मोर्टीन ला कर के मार देते हैं हम लोग लेकिन साइंस में इज्जत है हाउ मेनी वराइटीज़ ऑफ राइस हैव एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया इंडिया में राइस की कितनी वराइटीज़ हैं बासमती नहीं पूछा राइस पूछा है. तो बासमती वाला उत्तर नहीं देना है राइस वाला देना है टोटल राइस की पूछी है उत्तर है दो लाख से भी ज्यादा वाइटीज ओके अब okay, जीरो मत गिनने बैठ जाना राइट right? कि किसमें कितने जीरो हैं सर यही लग रहा है दो लाख इतना ही होता है मेरे पापा ने तो इतने रुपए दिए थे दो लाख बोल के <laughs> तो ये नहीं होना चाहिए कहते मेरे पापा ने मुझे इतना बड़ा नोट दिया था और बोले ये ले बेटा दो लाख रुपए अपने सपने पूरे कर लेना <laughs> तो ये नहीं करना है भाई असली दो राख ये है अपने पिताजी से कहें कि और बढ़ाएं दो तीन जीरो तब जाके सपने पूरे होंगे चलो द यूज़ ऑफ बायो बायर रिसोर्स बाय मल्टी नेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कम्पनसेटरी पेमेंट मतलब तुम्हारी चीज़ भी ले ली तुम्हें पेमेंट भी नहीं दिया तुम्हें धोखा भी दे दिया और तुम्हारे मुंह पे बोल दिया चल हट इसे क्या बोलते हैं बायोथिक्स बायो पायरेसी बायो, बायो टेरर बायो वेपन बायो पायरेसी किसी और का माल लो बेच दो सामने वाले को पता भी ना चले पैसा भी मत दो इट इज कॉल्ड एज बायो पायरेसी पायरेसी मतलब चोरी पायरेट सुना होगा ना आपने समुद्री डाकू पायरेट्स ऑफ द करेबियन देखी होगी राइट तो यहां पर क्या था पायरेसी का मतलब है डकैती नाइनटी फोर विच वरायटी ऑफ राइस वॉज पेटेंटेड बाई यूएस कंपनी इवन थ्रू इवन दो द हाइस्ट नंबर ऑफ वराइटीज़ ऑफ दिस राइस इज फाउंड इन इंडिया शर्वती सोनोरा को सिक्स सिक्स सेवन बासमती या लर्मा रोजा एक ही बात है यार बासमती राइस बासमती का पेटेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा बासमती राइस था और पेटेंट से याद आया आई गॉट माई पेटेंट दिस वीक अभी मेरे पास भी अपना खुद का एक पेटेंट हो चुका है यूजअली पीएचडी स्टूडेंट्स का भी इंडिया में पेटेंट नहीं होता मतलब कि बहुत बाद में यू यू कैन गेट अ पेटेंट अप टू एज ऑफ लाइक थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी कई बार उतने में भी नहीं मिलता बट आई गॉट माई फर्स्ट पेटेंट एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी तो हमें पेटेंट मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मज़ा आ गया मैं आपको दिखाऊंगा अपनी सर्टिफिकेट का भी पेटेंट वेटेंट भी इशू होने के बाद अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है शेयर नहीं कर सकते कुछ उसमें कॉन्फिडेंशियल नंबर्स आते हैं लेकिन मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आज डाल दूंगा अगर तुम बोलोगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस तो डाला था मैंने यार व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे डाला था अब इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगा मैं लेकिन आ जाएगा तुम्हें मजा आ जाएगा देख के बहुत बढ़िया चीज़ होती है पेटेंट अगर मिल जाए किसी चीज़ का तो बात यह है कि कोई भी दुनिया में अगर तुम्हारी चीज़ तुम्हारी परमिशन के बिना यूज़ कर रहा है तो तुम केस कर सकते हो पहली बात दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है इफ़ यू गॉट पेटेंट फॉर दैट और दुनिया में कोई और उस चीज़ का पेटेंट अगर यू नो लेना चाहता है तो नहीं ले पाएगा आप उसके सोल ओनर हो और कोई और अगर यूज़ कर रहा है तो आपको पैसे मिलेंगे उसके तो अगर एक अच्छा पेटेंट मिल जाए ना तो यू कैन बी अ बिलियनर मेरा पेटेंट उतना बड़ा नहीं है बट यस इट कुड बी फ्यूचरिस्टिक जैसे आपने फोल्डस्कोप का नाम सुना होगा जब फोल्डस्कोप का पेटेंट गया था तो बंदे ने बिलियन डॉलर्स बना लिए थे यानी सात आठ हज़ार करोड़ रुपए बना लिए थे सिर्फ एक पेपर और लेंस से इतनी ज़्यादा पावर है पेटेंट की इतनी ज़्यादा पावर है पेटेंट की तो साइंस जब पढ़ो तो दम लगा के पढ़ो राइट किताबी ज्ञान सा, थोड़ा साइड में रह जाता है पैसे वही बनाता है जिसका दिमाग चलता है अनडिससंट चीज़ों में तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किताबी कीड़ा होने के बजाय ना थोड़ा इधर उधर का भी सोचो क्योंकि जिसको जुगाड़ आते हैं ना जिंदगी में वो कुछ बहुत बड़ा कर देगा बहुत बड़ा कर देगा क्योंकि अल्टीमेटली देर आर स्मॉल चंक बिट्स और उनको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कुछ मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा अभी तो नहीं लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा और वैसे भी पढ़ाई के बीच में यू नो इतनी ज़्यादा कोई मैं बातें नहीं करता हूँ एक अलग से स्टोरी सुनाऊंगा तुमको कि एक बंदे ने सात से आठ हज़ार करोड़ रुपए बना लिए एक छोटे से आइडिया को लेकर के जो मार्केट में पड़ा हुआ था किसी ने उसको पेटेंट नहीं कराया था वो गया उसने चेक किया कि इस पर पे कोई पेटेंट है और उससे मिला कि पेटेंट नहीं है उसने पेटेंट कराया और वो बिलियनर बन गया रातों रात ये पावर है नॉलेज की और अगर आप किताब पढ़ते तो आपको नहीं पता लगता ये कि क्या है पेटेंट इस चीज़ पे पेटेंट है नहीं कुछ एडिशनल रिसर्चेज होती हैं विच यू नीड टू डू सो कभी वक्त मिले तो ऐसे टिकटॉक विकटॉक पे या फिर ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स पे मुजरा देखने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करा करो जो तुम्हारे टाइम को यूटिलाइज़ करें बूस्ट करें ना पॉजिटिव वे राइट बाकी मैं सिखा दूंगा कि कैसे क्या करना होता है इस फील्ड के अंदर तो जैसे कुछ वेबिनार्स वगैरह ले लेंगे हम लोग क्योंकि यूट्यूब पर सबको इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी सी क्रिटिकली पढ़ाई वाली है जो मस्ती वाली है वो एकदम मस्ती वाली है ये चीज़ें थोड़ी प्रोफेशनल लेवल पर चली जाती हैं लेकिन आप इसे इस एज में भी कर सकते हो तभी यू नो मज़ा आएगा तो वेबिनार लेंगे अलग से उन बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं सब पे थोपा नहीं जाएगा लेकिन तुम्हें मजा आएगा वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक्जैक्टली exactly कैसा क्या होता है सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इधर उधर का सोचा करो थोड़ा टाइम निकाल के द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक वट स्टेप टू केटर टू केटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट टर्म्स एंड अदर एमरजेंसी प्रोविजन्स विद रिगार्ड टू बायोपिरेसी कोई आपका पेटेंट चुरा ना पाए और आप अगर किसी पेटेंट को फाइल करते हो तो आपको पेटेंट मिलेगा ये कहाँ कहा गया इंडियन पेटेंट बिल में कहा गया कि भैया अगर लगता है कुछ नॉवल कर दिया है उखाड़ दिया है हमारे पास आओ पेटेंट ले जाओ और अगर आपको पहले से पेटेंट मिला हुआ था किसी और ने आपका पेटेंट चोरी कर लिया तो भी हमारे पास आओ उसका भी हम लोग निपटारा कर देंगे विच इंडियन प्लांट्स हैव इधर बीन पेटेंटेड और अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू पेटेंट बाय द वेस्टर्न नेशंस फॉर देयर कमर्शियल यूज बासमती राइस टर्मरिक नीम ऑल ऑफ दिस हैव बीन टारगेटेड अब बासमती राइस का तो कर दिया था अमेरिकन कंपनी ने टर्मरिक और नीम का भी कर दिया था आप मानोगे नहीं जो नीम की दातुन है वो दातुन जो है अराउंड टेन टू तो फिफ्टीन डॉलर्स की बिकती है इन यू एक जो उसका बंडल आता है जिसमें लगभग दस दातुन के आसपास होती है यानी एक दातुन की वैल्यू हो गई वन टू वन पॉइंट फाइव यू डॉलर्स यानी सत्तर से सौ रुपए के आसपास और हमारे यहाँ मिलती हैं फ्री में यानी यहाँ से कोई चीज़ लेकर जाता है वहाँ पर कमर्शलाइज करता है और वहाँ पर बेचता है मुनाफा कमाता है यहाँ पर सौ रुपये दातुन के अगर मैं अपने गाँव में जाके बोल दूँ ना कि भैया सौ रुपये की दातुन ले लो मेरे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे वहीं गिरा के क्योंकि सौ रुपये कोई नहीं देगा भाई सबके घर में नीम के पेड़ है हमारे गांव में हमारे हमारे खुद के खेत में यार साठ सत्तर पेड़ है नीम के तो तो इतना मतलब समझ लो ना तुम यहाँ पे जो चीज़ें बट रही हैं वहाँ पे उन चीज़ों का व्यापार हो रहा है तो हर चीज़ का पेटेंट लेने की कोशिश करी गई है बहुत टुच्ची कोशिश करते हैं अमेरिकन्स और क्रेडिट नहीं देते बिल्कुल भी फेवरेट क्वेश्चन आ गया भैया गोल्डन राइस क्या है अ वाइटी ऑफ राइस ग्रोन अलॉन्ग द येलो रिवर ऑफ चाइना अगर येलो रिवर के आसपास ग्रो किया है तो गोल्डन राइस क्यों बोलेंगे येलो राइस ही बोल देते लॉन्ग स्टोर राइस हैव येलो कलर इसका टेंट जो है येलो कलर का है ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन यानी आगे चल के विटामिन ए बनाएगा या फिर येलो कलर के ग्रेन है एक ही बात करेक्ट है नाइनटी में क्या बनता है जिसके बाद जीन साइलेंसिंग हो जाती है क्या बनाना है हमें डबल बनाना है क्या बनाओगे डबल स्टैंडर्ड रहे हैं, बना दोगे राइट right? टेंट मेरे भाई वो जो आपका कवर रहता है जिसके अंदर राइस प्रेजेंट रहता है ना मुझे नहीं पता उसको, खोखा बोल सकते हैं हिंदी में आई डोंट नो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड जैसे कुछ दाने दाने को ही अगर दान बोलते हैं तो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट बट जिस खोखे के अंदर आता है ना वो दैट इज टेंट राइट तो डबल स्टैंडर्ड आ एन ए यहां पर बन जाएगा फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस सी आई डी यहां पर किस चीज की डेफिशिएंसी थी एडिनोसिन डीएमिनेस की डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से सीवियर कॉमन इम्यूनो डेफिशियंसी डिजीज हो जाती है एडीए इज एन एंजाइम विच इज डेफिशिएंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर एस सी आई डी वट इज द फुलडीनोसिन डीएमिनेस डीएमिनेस ये करेक्ट हो जाएगा राइट एक सौ एक साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ शॉर्ट इंटरफेयरिंग आर एन ए एंटीसेंस बाय बोथ या तो सिंगल स्टैंड शॉर्ट इंटरफेरिंग आर एन ए ले लो या एंटीसेंस आर एन ए ले लो भाई दोनों से ही आपका क्या बनेगा आपने को तो डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बन से मतलब है चाहे अब वो सिंगल स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री है चाहे वो वायरस से आए चाहे वो रेट्रो ट्रांसपोर्स से आए चाहे वो आपका इंटरफेरिंग आर एन हो कुछ भी हो हमें तो भैया डबल स्टैंडर्ड आर एन बनाना है हमें सिर्फ इंटरफेरेंस से मतलब है मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए यानी तुम्हें सिर्फ जीतना है एक रेस अब चाहे तुम खुद जीतने की ठान के आगे बढ़ो चाहे तुम दूसरे को हराने की ठान के आगे बढ़ो रिजल्ट मैटर्स राइट अप्रोच अलग अलग हो सकता है लोगों में बट रिजल्ट मैटर करता है कहीं ना कहीं अब तुम इसको बहुत ज्यादा ब्रॉड सेंस में मत ले लेना सिर्फ समझाने के लिए बोला है राइट एक सौ दो आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन डायग्राम अच्छा डायग्राम पीछे रह गया ए क्या है आपका प्रो इंसुलिन सी क्या है आपका मेच्योर्ड इंसुलिन और ये सी पेप्टाइड आपकी हट गई है तो देखो यार जो भी मैच हो रहा है लगा दो ये आपका प्रो इंसुलिन था तो इससे निकल जाएगा एक सौ दो का उत्तर क्या है एक्सौ तीन टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम के फॉर्म में होते हैं एक सौ तीन का उत्तर हो जाएगा सी ये आपके सारे के सारे सवाल है आपकी की है छब्बीस की का उत्तर सी के साथ डी भी हो जाता है ये जो हमने बीच में देखा था क्राई वन ए बी क्राई टू क्राई टू ए बी और क्राई वन ए सी वाला ये वो वाला सवाल है इसमें सी ओर डी दोनों ही करेक्ट राइट right? तो ये वाला जो है आपका उत्तर हो जाएगा अब यार अगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है अनसब्सक्राइब किए हुए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और एकदम यार तुम चाणक्य बुद्धि हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो राइट right? डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह रहा हूं मैं बट हाँ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए यू कैन जस्ट फॉलो मी अप ओवर देयर ठीक है मार्क्सअप लर्निंग ऐप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना शाम तक सारे के सारे नोट्स आ जाएंगे आज शाम को साढ़े चार बजे पांच बजे जब भी टाइम लगता है जब भी मैं स्लाइड बना के फ्री हो जाऊंगा उस टाइम पर हम लोग करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड और पॉपुलेशन तो उसका आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा लेक्चर का लिंक अभी बज रहे हैं एक चालीस सवा दो के आसपास नया माइंड मैप आप लोगों तक पहुंच जाएगा पक्की बात है गारंटी श्योरिटी के साथ तो नया माइंड मैप देख लेना प्रीमियर लगा दूंगा मैं सवा दो के आसपास या ढाई बजे के आसपास पहले उसको देखो साढ़े चार बजे नया लेक्चर देखो फिर शाम को नितेश सर का लेक्चर आएगा उसके बाद मैं या तो एक और लेक्चर ले लूंगा या एक और मैं आज क्वेश्चन करा दूंगा आज क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं दबा के राइट चलो भाई तो लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो जो जो कर सकते हो कर दो यार तुम्हारी अपनी ही घर की खेती है अपन साथ साथ ही ग्रो कर रहे हैं और मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द पेशेंस मैं काफ़ी पिछले कुछ दिनों से उलझा हुआ चल रहा था अब फ्री है तो आप मचाते हैं अच्छे तरीके से रक्षाबंधन का मैं पहले कह रहा हूं यार मुझे मेरी मम्मी को मामा के घर लेके जाना है एक दिन का टाइम लगेगा उसमें बिकॉज मेरे घर पर और ले जाने वाला कोई नहीं है एक दिन की छुट्टी मैं पहले एडवांस में बोल रहा हूँ काम एडवांस में करके चला जाऊंगा मैं लेकिन उस दिन मुझे माफ कर देना बस लाइव के लिए बाकी आपसे डेली नीट होने तक नीट होने के बाद भी वी आर गोइंग टू बी लाइव ईच एंड एवरी डे दिन में तीन चार बार जब भी मौका मिलेगा तो देखते रहो एकदम मजे में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन के अंदर शुक्रिया बाय बाय टेक